हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है गड्डाला कोंडा गणेश गड्डाला कोंडा गणेश फिल्म के रिगार्डिंग में सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म का बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्री प्रोडक्शन फिल्मिंग पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत कहानी के ऊपर चर्चा तो इसके अलावा ओवरऑल पूरे मूवी का रिव्यू सभी कैरेक्टर के ऊपर हम डिटेलिंग देंगे साथ ही में इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है कौन से सेटेलाइट चैनल पर कौन से ओ चैनल पर देखने को मिलेगा उसका जो ओरिजिनल वर्जन वर्जन किस फिल्म का ये रीमेक है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है कहाँ पे फ्री में सैटेलाइट पे देखने को मिलेगा यूट्यूब पे कहाँ पे देखने को मिलेगा साथ ही में कब तक देखने को मिलेगा इसके अलावा ये फिल्म ओटीटी के और कोई चैनल पे हिंदी डब में आएगी या नहीं आएगी उसके ऊपर हम डिटेलिंग देने वाले तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहें गड्डल कोंडा गणेश जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी इस फिल्म को पहले नाम दिया गया था वाल्मीकि लेकिन कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज़ के चलते फिर से बाद में गड्डल कोंडा गणेश नाम देकर फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था सेम सिचुएशन हिंदी वर्जन में भी आई हुई थी जहाँ पर गड्डल कोंडा गणेश के नाम से इस फिल्म को जब तेलुगु में रिलीज़ किया गया उसके बाद हिंदी डब वर्जन के राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग वाल्मीकि के नाम से कंप्लीट करवाई हुई थी और ये फिल्म वो जल्दी

चैनल पे रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे छः मार्च को देखने को मिलेगी गड्डल कोंडा गणेश के नाम से सिर्फ नाम चेंज हुआ है बाकी पूरा कंटेंट सेम है तो ये फिल्म आपको गड्डलकोंडा गणेश के नाम से छः मार्च को रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पर हिंदी डब में देखने को मिलेगी जिसकी वजह से अब इस फिल्म का जो नाम चेंज हुआ है तो कुछ डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे गड्डल गड्डलकोंडा गणेश फिल्म को तेलुगु वर्जन में एक एक्शन कॉमेडी के तौर पर रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को लिखा और डेरेक्ट किया हुआ था हरीश शंकर ने स्क्रीन प्ले था वो मधु श्रीनिवास और मिथुन चैतन्य ने क्रिएट किया हुआ था जहाँ गड्डल कोंडा गणेश फिल्म 2014 की तमिल लैंग्वेज जिगत ठंडा का ऑफिशियल रीमेक वर्जन है इस फिल्म का एक और रीमेक वर्जन है जिसको नाम दिया हुआ है बच्चन पांडे जिसको अक्षय कुमार और कृति CNN के साथ बनाया गया है, हिंदी वर्जन में जो 18 मार्च से थिएटर में लगने वाली है तो इस तरह से इससे पहले इस फिल्म का जो तेलुगु रिमेक है उसके हिंदी राइट्स खरीद कर डब करवाकर गोलबाइंस वाले इस फिल्म को 6 मार्च को रात को आठ बजे के टाइम पर ढिंच टेलीविजन चैनल पर प्रीमियर करवा देंगे जिस वजह से इस फिल्म की अच्छी खासी कॉम्पिटिशन होगी अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे से बच्चन पांडे को थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हिंदी में पहले आ जाएगी क्योंकि गडल कोंडा गणेश में चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं जगत ठंडा के मुकाबले लेकिन वो तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए हैं जिस तरह से हिंदी वर्जन में भी बॉलीवुड की रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो करके देने वाले फिल्म में तो सेम वे में ऐसा किया हुआ है लेकिन जो बेसिक कोर पॉइंट है वो सेम है जिस वजह से गडल कोंडा गणेश अगर आप फिल्म देख लेते हो तो बच्चन पांडे देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा अब बात करें जिगर थंडा की तो वो 2014 की फिल्म थी तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी लेकिन वो फिल्म भी कोई प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है ये डर्टी कार्निवल करके एक साउथ कोरियन फिल्म थी जो 2006 में रिलीज की गई थी उस फिल्म से इस फिल्म का इंस्पिरेशन है यानी कि जो साउथ कोरियन फिल्म है अ डर्टी कार्निवल उससे इंस्पायर्ड होकर जिगर थंडा बनाई गई है हाँ जिगर थंडा में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जो तमिल नेटिविटी है उसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए अब बात कर लेते हैं ंडा गणेश के बारे में जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है वो है राज राम और गोपी अचंटा जिन्होंने इस फिल्म को फोर्टीन रील्स प्लस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था जहां पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए एंग्स का बोस ने एडिटिंग किए हुए छोटा के प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ मिकी जे मेयर ने और इस फिल्म को 20 सितंबर 2019 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे 25 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने बयालीस करोड़ और पाँच पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया होता जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जिसको करीबन एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक्शन थ्रिलर जोनर को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और इस फिल्म को आईएमडीबी पे 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था और आई पे करीबन 1100 सौ वोट किए गए थे तो इस तरह से इस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहां पे वाल्मीकि के नाम से चेंज कर कर इस फिल्म को गड्डला कोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट के चलते फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा था उसके बावजूद फिल्म अच्छा खासा एक मार्केट ले गई और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया था तो इस तरह से फिल्म को बनाकर रिलीज किया गया था जहां पे 20 सितंबर 2019 को फिल्म को काफी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला था कास्टिंग की बात करें तो वरुण तेज अथर्व पूजा हेगड़े मिर्नालिनी रवि सुप्रिया पाठक लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रह्मा जी प्रदीप सरस्वती देवी प्रसाद सुब्ब अन्नपूर्णा तनिकेला भरानी सत्या राज रविंद्रन रघु बाबू प्रभा श्रीनु शत्रु अपाजी अंबारीसा दरभा ब्रह्मानंदम का एक केम्योपीरेंस है नितिन सुकुमार इनका भी केम्यो अपरियंस है साथ ही में डिम्पल हयाती का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जरा जरा सॉन्ग में तो ये बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट में काम करते हुए नजर आएंगे तो इतने एक्टर्स है जिन्होंने फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाए हुए हैं अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेलिंग दूंगा प्रोडक्शन के ऊपर की बात करें तो 26 जनवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था दिल राजूस्व कुमार को बुलाया गया था लॉन्च इवेंट पे और इसका लॉन्च इवेंट करा गया था रामा नायडू फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में जहां पे अथरवा जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था मार्च दो में बाद में फिल्म में थोड़े बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ पूजा हेगड़े को कन्फर्म किया गया जिनको जुलाई में कन्फर्म किया गया था और जुलाई में उन्होंने सेट ज्वाइन किया हुआ था मिकी जे मेयर जो इस फिल्म का म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे आपको इससे पहले इस फिल्म का म्यूजिक का म्यूजिक दिया गया था देवीश्री प्रसाद लेकिन इनिशियल अनाउंस के तौर इनका नाम लिया गया था लेकिन बाद में मिकी जे मेयर को लाया गया था क्योंकि देवीश्री प्रसाद के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे जिस वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दे पाए थे जिस वजह से जो डेट इश्यू थे उसके चलते मिकी जे मेयर के पास इस फिल्म का म्यूजिक चला गया था अब इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बात करें तो फिल्म में टोटल चार गानों को कंपोज किया गया जिसकी है जिसकी लेंथ है तेरह मिनट दस सेकंड और इसको लेबल किया गया है सोनी म्यूज़िक और सारे गा के नीचे जहाँ पे सारे वालों ने इल्लू वच्ची गोदरम्मा वाला गाना है वो डि... लेबल किया हुआ है बाकी तीन गाने हैं वो सोनी म्यूजिक के पास है अब इस फिल्म का जो साउंड है उसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में और इन दो लेबल्स के नीचे इन चार गानों को रिलीज किया गया था जिसमें जिसमें से तीन गाने सोनी म्यूजिक के पास है और एक गाने सारे गमा पास के सारे गमा पा के पास है और इसको पाँच सितंबर 2019 में रिलीज किया गया था जहां पे पहला गाना जर्रा जर्रा, जर्रा जिसमें डिम्पल हयाती का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है उसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भारती रवि कुमार जिसके सिंगर है अनुराग कुलकर्णी और उमा नेहा इस गाने की लेंथ है तीन मिनट एक सेकंड दूसरा गाना गगन्ना विधि लो जिसके लिरिक्स लिखे हुए वान ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी और श्वेता सुब्रमण्यम और इसके गाने की लेंथ है तीन मिनट पंद्रह सेकंड तीसरा गाना वक्का वक्का जिसके लिरिक्स लिखे हुए है चंद्रा बोस और सिंगर है अनुराग कुलकर्णी मिकी जे मेयर गाने की लेंथ थी तीन मिनट सत्ताईस सेकंड चौथा गाना वच्ची गोदरम्मा इस गाने को डिस्ट्रीब्यूट सॉरी इस गाने को लेबल किया हुआ है सारे गमा ने इसका एक रीजन है ये ओरिजिनल गाना नहीं है येलो बुच्ची करके एक गाना आया हुआ था उन्नीस में देवता फिल्म से जो तेलुगु वर्जन की फिल्म थी तो उस फिल्म का वो गाना था उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके बनाया गया था जिस वजह से इसका लेबल है सारे गमा और इसको कंपोज किया हुआ था मिकी जे मेयर ने और लिरिक्स है वो लिखे हुए वेट्टूरी सुंदरम्मा मूर्ति ने सिंगर की बात करें तो एसपी पी बाला सुब्रमण्यम और पी सुशीला इन दोनों ने मिलकर इलुवच्ची गदरम्मा गाने को गाया हुआ था जिसकी लेंथ थी तीन मिनट सत्ताईस सेकंड तो इस तरह से चार गानों की जो टोटल लेंथ निकल के आई हुई है वो है तेरह मिनट दस सेकंड तो इस तरह से फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक को रिलीज किया गया था पाँच सेप्टेम्बर दो को तो इस साउंड ट्रैक के ऊपर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज के ऊपर तो वाल्मीकि नाम से इस फिल्म को अनाउंस किया गया था कुछ दिनों के बाद फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस नाम को लेकर क्योंकि वाल्मीकि के नाम से एक संत आए हुए थे तो उनको एक नेगेटिव सेड में फिल्म में दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है उनके नाम को यूज़ करना थोड़ा लोगों में खटक रहा था जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग एक केस दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश में अं... अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी प्रोटेस्ट किया गया था इस फिल्म के रग रिगार्डिंग क्योंकि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था जिस वजह से इस फिल्म ने के जो कम्युनिटी है उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के ऊपर अटैक करवाया हुआ था और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग भी आधे में रोक दी गई थी तो इतना कुछ होने के बाद फिल्म के जो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए फ़िल्म का नाम चेंज करना पड़ा जिसको नाम दिया गया बाद में गड्डल कोंडा गणेश और जब रिलीज के बारी आई तब फिल्म को नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया जहाँ पे सितंबर 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट में पेटीशन डाली गई थी जहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना कोर्ट में इसकी पटिशन के थ्रू वाल्मीकि से इस फिल्म को नाम दिया गया गड्डल कोंडा गणेश जिस वजह से फिल्म के रिलीज़ के छः घंटे पहले इस फिल्म का नाम गड्डल कोंडा गणेश के नाम से रिलीज किया गया था चेंज किया गया था जिस वजह से इस फिल्म को वाल्मीकि की जगह गटलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था मार्केटिंग रिलीज की बात करें तो जून 2019 में 14 रिल्स प्लस रन के द्वारा इस फिल्म का फ्री टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2019 को टीम के थ्रू इस फिल्म का टीज़र रिलीज किया गया था और उसके बाद में प्रमोटिंग सिंग फिल्म के जो सिंगल्स थे एल्बम में से एक के बाद एक प्रमोट के लिए रिलीज़ किए गए थे फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसको फोर्टीन रिल प्लस के यूट्यूब चैनल पे अनवील किया गया था 9 सितंबर 2019 को फिल्म को शेड्यूल किया गया था 13 सितंबर 2019 को रिलीज करने के लिए लेकिन नानी स्टार और गैंग लीडर फिल्म थी उसके साथ ये फिल्म क्लेश हो रही थी जिस वजह से फिल्म को बाद में एक वीक पोस्टपोन करना पड़ा और उसके बाद फिल्म को बीस सेप्टेम्बर दो उन्नीस को फाइनली रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ रिलीज़ की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आसपास ग्रोस कलेक्शन करके दिखा दिया था इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोल माइन्स टेलीफिल्स ने जिन्होंने रिलीज़ के वक्त ही फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे और बाद में फिल्म को उन्होंने डब करवा दिया और उसके बाद अब वो ढिंचा चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले जहाँ पे छः मार्च दो को रात को आठ बजे के टाइम पर वार के दिन इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में सेम नाम गड्डलों गणेश के ही नाम से रिलीज करने वाले इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि नाम दिया गया था लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया था तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे क्रिटिक्स ने वरुण तेज की परफॉर्मेंस काफ़ी सराहना की गई थी वो अभी तक एक चॉकलेट बॉय वाला किरदार प्ले करते हुए नज़र आ रहे थे सॉफ्ट बॉय का किरदार प्ले कर रहे थे अचानक एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था फिल्म में कुछ कॉमेडी थी जो लोगों को थोड़ी ज़्यादा फोर्स की हुई नज़र आ रही थी जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक बढ़िया हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म ने जिस फिल्म का रीमेक किया हुआ है यानी कि जिगर थंडा उसके बारे में बात करें तो जिगर थंडा जिसका मीनिंग होता है कोल्ड हार्टेज जो 2014 की तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुबहराज ने यह फिल्म अर्डर टिकानेवल से इंस्पायर्ड है इस फिल्म का काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब वर्जन निकल चुका है और रीमेक वर्जन भी निकल चुका है जहाँ पर तेलुगु डब वर्जन दो में चिकड्डू दुकडू के नाम से रिलीज किया गया था साथ ही में कन्नडा में रीमेक किया गया था सेम टाइटल के साथ 2016 में उसके बाद 2019 में गड्डलकोंडा के नाम से गड्डलकोंडा गणेश के नाम से तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था उसी के साथ हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से 2022 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाली है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है कार्तिक सुब्रह्मण्य स्टोरी आईडिया स्क्रीन प्ले वो सभी चीजें भी उनकी ही थी प्रोड्यूसर्स का रेसन ने इस फिल्म को एसएमएस पिक्चर्स सॉरी ग्रुप कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और एस एम एस पिक्चर और कल संगम फिल्म के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको सिद्धार्थ बोबी सिमा और लक्ष्मी मेनन देखने को मिले होंगे उनके अलावा करुणाकरण गुरु सोम सुंदरन आदू कलम नरें सौंदर राजन रामचंद्र दुरैराज सेंथिल कुमारन गंग सांगली मुरुगन बाला सिंह थेनावल दिल्ली गणेश सुधा जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले होंगे इस फिल्म को डेवलप किया गया था 2013 में अनाउंस किया गया था उसके बाद में फिल्म को एक के बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी कास्टिंग भी तभी की गई थी और उसके बाद फिल्म की इक्कीस नवंबर दो तक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी और उसके बाद में फिल्म को दो एंड तक कंप्लीट करवा लिया गया था और उसके बाद इस फिल्म में जो गाने को कंपोज किया गया था वो टोटल गाने थे नौ जहाँ पे नौ बैकग्राउंड स्कोर थे इसके अलावा पांच टोटल सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से हिट साबित हुआ था और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी सारा सराहना मिली थी रिलीज़ के बाद फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस दोनों की तरफ से खाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद इस फिल्म को जब बाहर देश रिलीज़ किया गया वहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था कुछ चीज़ों के चलते फिल्म जरूर डिले हुई थी रिलीज के वक्त लेकिन उसके बाद जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिस वजह से फिल्म लोगों को काफ़ी सारी पसंद आई थी जिगर थंडा फिल्म के जो तमिल सेटेलाइट राइट्स से है वो खरीदे हुए थे स्टार विजय ने यानी कि स्टार विजय के चैनल पर फिल्म आपको टेलीविजन पर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी और इस फिल्म के जो ओ टी टी प्लस हॉटस्टार के पास जिन्होंने जिगत हंडा फिल्म को सेम नाम के साथ वहां पे अवेलेबल करवाया हुआ है इंग्लिश और वो फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पे देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है इस फिल्म ने करीबन पच्चीस दिनों का जो वर्ल्ड वाइड रन लिया था तब उस टाइम में छिया छियालीस करोड़ के आसपास 2014 में ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और एक 2014 की वन ऑफ़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी जिस वजह से जिगर ठंडा फिल्म एक अच्छी खासी क्लासिकल कल्ट क्लासिक फिल्म में शामिल हो गई थी जहां पे मीडियम स्टार कास्ट के साथ भी फिल्म अच्छा खासा वर्क कर गई थी जिगर ठंडा फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन राइट थे वो भी बेच दिए गए थे जिसको खरीदा हुआ था एशियन मीडिया ने फिल्म की डबिंग भी उन्होंने 2019 तक शायद कंप्लीट करवा ली थी एसपीएम आर्ट्स यानी कि एशियन मीडिया जिन्होंने फिल्म को सेम नाम से सेंसर, सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदी से, सेंसर सर्टिफिकेट भी करवा लिया था और ये फिल्म टेलीविज़न प्रीमियर के लिए तैयार थी लेकिन तभी फिल्म के रीमेक राइट्स हिंदी में बेच दिए गए बच्चन पांडे के नाम से जो 2022 में आपको रीमेक देखने को मिल रहा है उसी की वजह से जिगत हंडा फिल्म की हिंदी डव वर्जन को रिलीज़ रोक दी गई थी बच्चन पांडे ने मेकर्स के बच्चन पांडे के मेकर्स ने जिगत हंडा के मेकर्स को इस फिल्म को डब वर्जन में रिलीज करने के लिए मना किया गया जिस वजह से एशियन मीडिया ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिल्म को पोस्टपोन पर रखा हुआ है अब जब बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ओ टी पे अवेलेबल हो जाएगी बाद में इस फिल्म को जिगत फिल्म को हिंदी डब वर्जन में टेलीविज़न और यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा लेकिन उसके अलावा जो गड्डलकोंडा गाने से वो एक और रिमेक है वो गोलमाइंस वालों ने डब करवा के अब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिए जो आपको छः मार्च को रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे सेम नाम के साथ डिंगचाक चैनल पे देखने को मिलेगी उसके बाद ज़रूर यूट्यूब चैनल पे वो फिल्म प्रीमियर नहीं करवाई जाएगी क्योंकि डिंगचाक पे होने वाली फिल्में प्रीमियर होने वाले फिल्में गोलमेज वाले, वाले तुरंत प्रीमियर नहीं करवाते हैं गड्डल कोंडा गणेश फिल्म के जो लीड एक्टर्स है जो कास्टिंग है उसमें कौन से कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया था उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ वरुण तेज जो गनी के रोल में दिखाई देते हैं जिसका पूरा नाम है गड्डल कोंडा गणेश अथरवा जिन जिन्होंने अभिलाष यानी कि अभिका का रोल प्ले किया हुआ है पूजा हेगड़े जो श्रीदेवी यानी कि देवी के रोल में दिखाई देती है मीनालिनी रवि जिन्होंने बुज्जम्मा का रोल प्ले किया हुआ है सुप्रिया पाठक जो गड्डलकोंडा गणेश की माँ के रोल में दिखाई देती है ब्रह्मा जी जिन्होंने मुनी मानिक्यम के एक एक्टिंग कोच का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप जो अभी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं सरस्वती जो अभी की माँ के रोल में दिखाई देती है देवी प्रसाद जिन्होंने अभी के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है सुब्ब राजू जिन्होंने प्रभाकर के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है अन्नपूर्णा जो गनी की सेब के रोल में दिखाई देते हैं दैनिकला भरानी जिन्होंने थिएटर ऑपरेटर का रोल प्ले किया हुआ है सत्य जिन्होंने चिंतकाई यानी कि अभिलाष के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्र जिन्होंने नलमुद्दू बाब का रोल प्ले किया हुआ है रघु बाबू जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा प्रभा श्रीनु जो आपको बलिया के रोल में दिखाई देंगे शत्रु जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पा जी अम्बारीसा दरबा जो श्रीदेवी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं ब्रह्मानंदम नितिन सुकुमार इनका एक गेस्ट अपीरेंस केमयू अपीरेंस देखने को मिलेगा डिम्पल हयाती जरा जरा सॉन्ग में आइटम नंबर दिखाती हुई नजर आएंगी अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएंगी तो इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने निभाया हुआ था स्टोरी की बात करें तो अभिलाष यानी कि अथरवा एक अपी अपकमिंग डायरेक्टर है जो एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते विथ एनी कॉस्ट और इसके लिए वो डिसाइड करते वो एक क्रिमिनल बेस्ड फिल्म बनाएंगे और उसके लिए एक कहानी के सर रिसर्च में निकल पड़ते हैं और उनका सामना होता है गड्डल कोंडा गणेश यानी कि वरुण तेज से जो एक ब्रूटल क्रिमिनल है और उनकी बारे में जानने के बाद वो फिक्स करते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे उनके नजदीक जाकर उनके बारे में जानेंगे और साथ ही में कहानी के ऊपर पूरी डिटेलिंग लेंगे और इस फिल्म को वो डिर करेंगे लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सभी चीज़ें वो गड्डल कोंडा गणेश के सामने रिवील करता है गड्डलकोंडा गणेश इस फिल्म के बनाने के लिए राजी तो हो जाते अपनी फिल्म अपनी लाइफ की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राजी तो हो जाते लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे गणेश डिमांड करता है कि वो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करेगा तो अब बाकी की कहानी यही है कि अभिलाष किस तरह से इस डेडली गैंगस्टर को हैंडल करता है फिल्म को किस तरह से फिनिश करता है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी बनाई गई है इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कार्तिक सुब्बाराज सॉरी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हरीश शंकर जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्टर्स को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से वरुण तेज के किरदार को उन्होंने सोखा किया हुआ है वो काफ़ी मैनर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ था फिल्म में एक गैंगस्टर का लुक उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस उनके पास बेहतरीन वे में निकलवाई हुई थी उनकी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज में उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी साथ ही में फिल्म में कुछ बेसिक इमोशंस की थोड़ी बहुत आपको कमी नज़र आएंगी कॉन्फ्लिक पॉइंट थोड़ा वीक नजर आएगा फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंथी नजर आएगा थोड़ी जगह पर हरीशंकर आपकी आपको अपनी ग्रिप लूज होते हुए नजर आएंगे प्रोसीडिंग के टाइम सेकंड हाफ़ में लेकिन बाकी जो एक अच्छा एलिमेंट होना चाहिए गुड मास एलिमेंट फनी एलिमेंट वो सभी चीज़ें वो भरपूर तरह एड करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वरुण तेज को एक मेक किया हुआ था उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉफ्ट गाय से एक हार्ड क्रिमिनल के रूप में वो बेहतरीन था उसी वजह से फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग नज़र आती है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे वी टी डायलॉग सुनने को मिलते कुछ कॉमेडी पंचीज थे वन लाइनर्स थे उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था हरीश शंकर ने ओवरऑल वरुण के किरदार को अच्छी तरह से लिखा हुआ था उनकी डायलॉग डिलीवरी सुपर थी उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग थी अथरवा मुरली जो आपको एक डिसेंट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने मिकी जे मेयर के उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है एक डायरेक्टर अपकमिंग डायरेक्टर के रोल में उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे अपने परफॉर्मेंस के साथ वो फिल्म में एक अलग इम्पेक्ट छोड़ते हुए नज़र आते हैं मिकी जे मेयर जिनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी टॉप नॉच वाला था उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म को सपोर्ट का हो ऐसा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था फिल्म का जो माहौल है जो जोनर है उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट हुआ था जो फिल्म को एक अलग लेवल पे एलिवेट करने में कामयाब हो रहा था इस फिल्म में कॉमेडियन देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपना रोल काफी हिलेरियस वे में निभाया हुआ है उन्होंने जिस तरह से अपनी कॉमेडी को डिलीवर किया हुआ है वो पंचिस आपको ज़रूर पसंद आएंगे ब्रह्मा जी जो टीचर के रोल में काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आते हैं उन्होंने क्रूसल पॉइंट पर अपना काम दिखाया हुआ है वो काफी बढ़िया है फिल्म के पॉइंट उनका रोल आता है और वो सभी चीज़ें आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है उन्होंने जितने भी वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए अपने कॉमिक पंचिस को कॉमिक टाइमिंग जिस तरह से डिलीवर किए हुए वो काफ़ी बढ़िया थी वो फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स देने में कामयाब रहती है वहाँ पर आप जरूर हंस पड़ोगे पूजा हेगड़े फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी दिखने में काफ़ी गोजेस और सिंपल नज़र आ रही थी वो श्रीदेवी का रोल प्ले कर रही है फिल्म में उनका रोल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जो वक्त है वो एड किया हुआ था अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने अपना टैलेंट ज़रूर दिखाया हुआ था हाँ उनका एक गेस्ट रोल बोल सकते ते रोल छोटा था लेकिन जितना भी काम था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी सुप्रिया पाठक जो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आती है राजा रवि को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने अच्छे रोल के साथ वो एक नीट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते फर्स्ट को बढ़िया तरीके से स्टेब्लिश किया हुआ था डायरेक्टर ने जहाँ पे वरुण के किरदार को अच्छी तरह से एक रेडेड क्रिमिनल के तौर पे हमारे सामने पेश किया हुआ था वहाँ पे बढ़िया मसाला एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में उन सभी सीक्वेंस के साथ अच्छी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है इस फिल्म को तेलुगु वर्जन के हिसाब से तमिल वर्जन से थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए नज़र आएंगे जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीक्वेंस है कुछ, 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 कुछ चीज़ें जो फिल्म को अलग करी हुए जो तेलुगु नेटिविटी है उस हिसाब से चेंज किया हुआ है लेकिन वो सभी चीज़ें अच्छे वे में जाती है इस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़रूर बड़ी है जहाँ पे हरीश शंकर फिल्म को अच्छी तरह से इस्टबलिश करते हैं लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं इसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें उसकी प्रोसेडिंग बढ़िया नहीं थी इमोशंस की कमी थी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर क्लाइमेस में जिस तरह से एड की हुई थी वो फोर्सफुल एड की हो ऐसा नज़र आ रहा था पूजा हेगड़े का जो ट्रेक है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सीन्स थे लेकिन उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी ऐसा नज़र आ रहा था उसे आसानी से क्रिस्प किया जा सकता था अत्थरव और वरुण तेज के बीच में जो कन्फ्रंट्रेशन वाले सीन थे उस उसको और एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया जा सकता था तो एक कुछ एक दो तो चीज़ें उसको सुधारा जा सकता था ओवरऑल फिल्म में जो मास एलिमेंट है वरुण तेज का जो मेक है जो फिल्म की स्टोरी लाइन है जो ब्लैक जो इंटरवल ब्लॉक है जो कॉमेडी सिक्वेंस है इन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है तो गड्डल कोंडा गणेश फिल्म एक अच्छी मास ड्रामा फिल्म है जहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको मास एलिमेंट्स के मास एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रोसेडिंग देखने को मिलती है जो परफॉर्मेंसिस है वो शानदार देखने को मिलती है जिस तरह से ये जो कैरेक्टर बनाए हुए हैं वो, है वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिलते हैं इसके अलावा एडिटिंग को थोड़ा कट कम किया जा सकता था फिल्म को पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी फिल्म के लिरिक्स अच्छे थे डायलॉग्स बढ़िया थे साथ ही में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी टॉप नोच की थी जिस वजह से स्क्रीन में हर हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी तो ये और और एक अच्छी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सके देखा जा सकता है अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन जरूर फुलफिल हो जाएगी इसको अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है रीमेक जरूर है लेकिन एक अच्छा रीमेक है जिसे जरूर देख सकते हो तो इस फिल्म को अगर आप तेलुगु वर्जन में देखना चाहते हो तो गड्डलकोंडा गणेश के नाम से इसको ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल करवाया हुआ है जहां पर इस फिल्म को आप जरूर इंजॉय कर पाओगे गड्डल के नाम से प्लस हॉटस्टार वालों ने उनकी वेबसाइट पे इस फिल्म को इंग्लिश बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पे आपको विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है जिगर थंडा वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने ही खरीदा हुआ है और वो जिगर थंडा फिल्म भी तमिल वर्जन में अवेलेबल की हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार में जहाँ पे विथ इंग्लिश सब वो फिल्म भी आप इंजॉय कर पाओगे तो गड्डलकोंडा गणेश और जिगर थंडा दोनों तमिल और तेलुगु वर्जन आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पे विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अब बात करें हिंदी डब वर्जन की तो फिल्म को पहले तो वाल्मीकि के नाम से डब करके रिलीज करने वाले थे लेकिन अब नाम फिर से चेंज हो चुका है जिसको ओरिजिनल नाम दे दिया गया है गड्डलकोंडा गणेश अब गोल वालों ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं और उन्होंने ही इस फिल्म के राइट्स सेटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए है तो ये फिल्म आपको पहले सैटेलाइट चैनल ढिनचाक पे देखने को मिलेगी जहाँ पे फिल्म का जो पहला वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर है वो है 6 मार्च रविवार के दिन रात को आठ बज के टाइम पे ढिनचाक टेलीविज़न चैनल पे सेम नाम के साथ एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि गड्डलकोंडा व गणेश का पहला हिंदी डब वर्जन टेलीविज़न प्रीमियर छः मार्च 2022 रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिचाक चैनल पे देखने को मिलेगा और उसके बाद इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर ज़रूर होगा लेकिन अभी नहीं होगा इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर करीबन काफ़ी समय के बाद क्योंकि ढिंचाक प्रीमियर होने वाली फिल्म में गोलमस वाले तुरंत उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं करवाते हैं लेकिन जब कभी भी इस फिल्म का ऑफिशियल यूट्यूब प्रीमियर होगा तो वो गोलमस के ही चैनल पर करवाया जाएगा जहाँ पे ये फ़िल्म आप बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर पाओगे इसके अलावा सैटेलाइट चैनल ढिंचा के ऊपर इस फिल्म को बारी बारी से प्रीमियर करवाने ही वाले जहाँ पे इस फिल्म को आप जरूर एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से सभी वर्जन यानी कि तमिल तेलुगु हिंदी डब और साथ ही में हिंदी वर्जन जो बच्चन पांडे नाम से 18 मार्च को आ रहा है इन सभी तरह इस जिस तरह से मैंने बताया उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकोगे गड्डल कोंडा गणेश जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी इस फिल्म को पहले नाम दिया गया था वाल्मीकि लेकिन कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते फिर से बाद में गड्डल कोंडा गणेश नाम देकर फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था सेम सिचुएशन हिंदी वर्जन में भी आई हुई थी जहाँ पे गड्डल कोंडा गणेश के नाम से इस फिल्म को जब तेलुगु में रिलीज किया गया उसके बाद हिंदी डब वर्जन के राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोल माइंस टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग वाल्मीकि के नाम से कंप्लीट करवाई हुई थी और ये फिल्म वो जल्दी वाल्मीकि के नाम से उनके टेलीविजन चैनल ढिंचाक पे प्रीमियर करवाने वाले थे जहां पे 6 मार्च 2022 को रात को आठ बजे के टाइम पे वो ढीनचाक टेलीविज़न चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले थे और जहाँ पे उस फिल्म का नाम रखा गया था वाल्मीकि लेकिन हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि के नाम से थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिस वजह से फिल्म को फिर से सेंसर करवा के गड्डल कोंडा रगनेस के नाम से अब टेलीविज़न पर प्रीमियर करवाने वाले हैं जहाँ पर टेलीविज़न प्रीमियर डेट सेम है यानी कि ये फिल्म आपको ढिन्चाक टेलीविज़न चैनल पर रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पर छः मार्च को देखने को मिलेगी कोंडा गणेश के नाम से सिर्फ नाम चेंज हुआ है बाकी पूरा कंटेंट सेम है तो यह फिल्म आपको कोंडा गणेश के नाम से 6 मार्च को रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी जिसकी वजह से अब इस फिल्म का जो नाम चेंज हुआ है तो कुछ डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे गड्डल कोंडा ने इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में एक एक्शन कॉमेडी के तौर पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को लिखा हुआ डिरेक्ट किया, किया हुआ था हरीश शंकर ने स्क्रीन प्ले था वो मधु श्रीनिवास और मिथुन चैतन्य ने क्रिएट किया हुआ था जहां पे गड्डलकोंडा गणेश फिल्म 2014 की तमिल की तमिल ठंडा का ऑफिशियल रीमेक वर्जन है बच्चन पांडे जिसको अक्षय कुमार पहले इस फिल्म का जो तेलुगु रिमेक है उसके हिंदी राइट्स खरीद कर डब करवाकर गोलबाइंस वाले इस फिल्म को छह मार्च को रात को आठ बजे के टाइम पे ढिंच टेलीविजन चैनल पर प्रीमियर करवा देंगे जिस वजह से इस फिल्म की अच्छी खास कंपटीशन होगी अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे से बच्चन पांडे को थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हिंदी में पहले आ जाएगी क्योंकि गडल कोंडा गणेश में चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं जिगत ठंडा के मुकाबले लेकिन वो तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए जिस तरह से हिंदी वर्जन में भी बॉलीवुड की रिगार्डिंग तो जो चेंजेस होते हैं वो करके देने वाले फिल्म में तो सेम वे में ऐसा किया हुआ है लेकिन जो बेसिक कोर पॉइंट है वो सेम है जिस वजह से गडल कोंडा गणेश अगर आप फिल्म देख लेते हो तो बच्चन पांडे देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा अब बात करें ठंडा की तो वो 2014 की फिल्म थी तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी लेकिन वो फिल्म भी कोई प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है ये डर्टी कार्निवल करके एक साउथ कोरियन फिल्म थी जो 2006 में रिलीज की गई थी उस फिल्म से इस फिल्म का इंस्पिरेशन है यानी कि जो साउथ कोरियन फिल्म है अ डर्टी कार्निवल उससे इंस्पायर्ड होकर जिगर ठंडा बनाई गई है हाँ जिगर ठंडा में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जो तमिल नेटिविटी है उसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए अब बात कर लेते हैं गड्डल गणेश के बारे में जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स और, और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था जहां पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए का बोस ने एडिटिंग की हुए छोटा के प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ मिकी जे मेयर ने और इस फिल्म को 20 सितंबर 2019 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पर 25 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने बयालीस करोड़ और पाँच पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया होता, जिसके साथ ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जिसको करीबन एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक्सन थ्री एक्शन थ्रिलर जोनर को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और इस फिल्म को आई पे छः पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था और आईएमडीबी पे करीबन ग्यारह सौ वोट किए गए थे तो इस तरह से इस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे वाल्मीकि के नाम से चेंज कर कर इस फिल्म को गड्डेला कोंडा गणेश के नाम से रिलीज किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट के चलते फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा था उस उसके बावजूद फिल्म अच्छा खासा एक मार्केट ले गई और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया था तो इस तरह से फिल्म को बनाकर रिलीज किया गया था जहां पे 20 सितंबर 2019 को फिल्म को फिल्म तो को काफी ब्रह्मा जी प्रदीप सरस्वती देवी प्रसाद सुब्ब अन्नपूर्णा तनिकेला भरानी सत्या राज रविंद्रन रघुबाबू प्रभा श्रीनु शत्रु अपाजी अंबारी ब्रह्मानंदम काम से नितिन सुकुमार इनका भी साथ ही में हयाती का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जरा जरा सॉन्ग में तो ये बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट में काम करते हुए नजर आएंगे तो इतने एक्टर्स है जिन्होंने फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाए हुए अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेलिंग दूंगा प्रोडक्शन के ऊपर की बात करें तो 26 जनवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था दिल राजूस्व कुमार को बुलाया गया था लॉन्च इवेंट पे और इसका लॉन्च इवेंट करा गया था रामानायडू फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में जहाँ पर अथरवा जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था मार्च दो में बाद में फिल्म में थोड़े बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ पूजा हेगड़े को कन्फर्म किया गया जिनको जुलाई में कन्फर्म किया गया था जुलाई में उन्होंने सेट ज्वाइन किया हुआ था मिकी जे मेयर जो इस फिल्म का म्यूज़िक देते हुए नज़र आएंगे आपको इससे पहले इस फिल्म का म्यूज़िक का कमान दिया गया था देवीश्री प्रसाद लेकिन इनिशियल अनाउंस के तौर पर इनका नाम लिया गया था लेकिन बाद में मिकी जे मेयर को लाया गया था क्योंकि देवीश्री प्रसाद के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे जिस वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दे पाए थे जिस वजह से जो डेट इश्यू थे उसके चलते मिकी जे मेयर के पास इस फिल्म का म्यूज़िक चला गया था अब इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बात करें तो फिल्म में टोटल चार गानों को कंपोज किया गया जिसकी है जिसकी लेंथ है तेरह मिनट दस सेकंड और इसको लेबल किया गया है सोनी म्यूजिक और सारे गा के नीचे जहाँ पे सारे गमा वालों ने इल्लू वच्ची गोदरम्मा वाला गाना है वो डि... लेबल किया हुआ है बाकी तीन गाने हैं वो सोनी म्यूजिक के पास है अब इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में और इन दो लेबल्स के नीचे इन चार गानों को रिलीज़ किया गया था जिसमें जिसमें से तीन गाने सोनी म्यूजिक के पास है और एक गाने सारे गमा पा के सारे गमा पा के पास है और इसको 5 सितंबर 2019 में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे पहला गाना जर्रा जर्रा, जर्रा जिसमें डिम्पल हयाती का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है उसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भारती रवि कुमार जिसके सिंगर है अनुराग कुलकर्णी और उमास नेहा इस गाने की लेंथ है तीन मिनट एक सेकंड दूसरा गाना गगन्ना विधिलो जिसके लिरिक्स लिखे हुए ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी और श्वेता सुब्रमण्यम और इसके गाने की लेंथ है तीन मिनट पंद्रह सेकंड तीसरा गाना वक्का वक्का जिसके लिरिक्स लिखे हुए है चंद्र बोस और सिंगर है अनुराग कुलकर्णी मिकी जे मेयर गाने की लेंथ थी तीन मिनट सत्ताईस सेकंड चौथा गाना इलू वच्ची गोदरम्मा इस गाने को डिस्ट्रीब्यूट सॉरी इस गाने को लेबल किया हुआ सारे गमा ने इसका एक रीज़न है ये ओरिजिनल गाना नहीं है वच्ची करके एक गाना आया हुआ था उन्नीस में देवता फिल्म से जो तेलुगु वर्जन की फ़िल्म थी तो उस फिल्म का वो गाना था उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके बनाया गया था जिस वजह से इसका लेबल है सारे गमा और इसको कंपोज किया हुआ था मिकी जे मेयर ने और लिरिक्स है वो लिखे हुए वेट्टूरी सुंदरम्मा मूर्ति ने सिंगर की बात करें तो एसपी बाला सुब्रमण्यम और पी सुशीला इन दोनों ने मिलकर इलू गजरम्मा गाने को गाया हुआ था जिसकी लेंथ थी तीन मिनट सत्ताईस सेकंड तो इस तरह से चार गानों की जो टोटल लेंथ निकल के आई हुई है वो है तेरह मिनट दस सेकंड तो इस तरह से फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक को रिलीज किया गया था पाँच सितंबर 2019 को तो इस साउंड ट्रैक के ऊपर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज़ के ऊपर तो वाल्मीकि नाम से इस फिल्म को अनाउंस किया गया था कुछ दिनों के बाद फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस नाम को लेकर क्योंकि वाल्मीकि के नाम से एक संत आए हुए थे तो उनको एक नेगेटिव सेड में फिल्म में दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है उनके नाम को यूज़ करना थोड़ा लोगों में खटक रहा था जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग एक केस दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी प्रोटेस्ट किया गया था इस फिल्म के रिगार्डिंग क्योंकि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था जिस वजह से इस फिल्म ने के जो कम्युनिटी है उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के ऊपर अटैक करवाया हुआ था और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग भी आधे में रोक दी गई थी तो इतना कुछ होने के बाद फिल्म के जो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा जिसको नाम दिया गया बाद में गड्डल कोंडा गणेश और जब रिलीज़ के बारी आई तब फिल्म को नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया जहाँ पे सितंबर 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट में पेटीशन डाली गई थी जहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना कोर्ट में इसकी पटिशन के थ्रू वाल्मीकि से इस फिल्म को नाम दिया गया गड्डल कोंडा गणेश जिस वजह से फिल्म के रिलीज़ के छः घंटे पहले इस फिल्म का नाम गड्डल कोंडा गणेश के नाम से रिलीज किया गया था चेंज किया गया था जिस वजह से इस फिल्म को वाल्मीकि की जगह गटलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था मार्केटिंग रिलीज की बात करें तो जून 2019 में 14 रिल्स प्लस रन के द्वारा इस फिल्म का फ्री टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया गया था 15 अगस्त 2019 को टीम के थ्रू इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया गया था और उसके बाद में प्रमोटिंग सिंग फिल्म के जो सिंगल्स थे एल्बम में से एक के बाद एक प्रोमोट के लिए रिलीज किए गए थे फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसको फोर्टीन ट्रिल प्लस के यूट्यूब चैनल पे अनविल किया गया था 9 सितंबर 2019 को फिल्म को शेड्यूल किया गया था 13 सितंबर 2019 को रिलीज करने के लिए लेकिन नानी स्टार और गैंग लीडर फिल्म थी उसके साथ ये फिल्म क्लेश हो रही थी जिस वजह से फिल्म को बाद में एक वीक पोस्टपोन करना पड़ा और उसके बाद फिल्म को बीस सेप्टेम्बर दो उन्नीस को फाइनली रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ रिलीज़ की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आसपास ग्रोस कलेक्शन करके दिखा दिया था इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हीट का टैग ले गई थी इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने रिलीज के वक्त ही फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे और बाद में फिल्म को उन्होंने डब करवा दिया और उसके बाद अब वो ढिनचाक चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले जहाँ पे छः मार्च दो को रात को आठ बजे के टाइम पे रही वार के दिन इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि गड्डलकोंडा गणेश के ही नाम से रिलीज करने वाले इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि नाम दिया गया था लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे क्रिटिक्स ने वरुण तेज की परफॉर्मेंस काफी सराहना की गई थी वो अभी तक एक चॉकलेट बॉय वाला किरदार प्ले करते हुए नजर आ रहे थे सॉफ्ट बॉय का किरदार प्ले कर रहे थे अचानक एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल देखने को मिला वो काफ़ी ज्यादा लोगों को पसंद आया था फिल्म में कुछ कॉमेडी थी जो लोगों को थोड़ी ज्यादा फोर्स किए हुई नज़र आ रही थी जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था लेकिन क्स ऑफिस पर एक बढ़िया हीट का टैग ले गई थी इस फिल्म ने जिस फिल्म का रीमेक किया हुआ है यानी कि जिगर ठंडा उसके बारे में बात करें तो जिगर ठंडा जिसका मीनिंग होता है कोल्ड हार्टेज जो 2014 की तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुबहराज ने यह फिल्म अडर टिकानेवल से इंस्पायर्ड है इस फिल्म का काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ में डब वर्जन निकल चुका है और रीमेक वर्जन भी निकल चुका है जहाँ पर तेलुगु डब वर्जन दो में चिकड्डू दुकडू के नाम से रिलीज किया गया था साथ ही में कन्नडा में रीमेक किया गया था सेम टाइटल के साथ 2016 में उसके बाद 2019 में गड्डल कोंडा के नाम से गड्डल कोंडा गणेश के नाम से तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था उसी के साथ हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से 2022 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाली है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है कार्तिक सुबराज ने स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले वो सभी चीज़ें भी उनकी ही थी प्रोड्यूसर्स काथी रेसन ने इस फिल्म को एस पिक्चर्स सॉरी ग्रुप कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और एस एम एस पिक्चर और कल संगम फिल्म के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको सिद्धार्थ बोबी सिमा और लक्ष्मी मेनन देखने को मिले होंगे उनके अलावा करुणाकरण गुरु सोम सुंदरन आदू कलम सुंदर राजन रामचंद्र दुरैराज सेंथिल कुमारन गंग सांगली मुरुगन बाला सिंह थेनावल दिल्ली गणेश सुधा जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले होंगे इस फिल्म को डेवलप किया गया था 2013 में अनाउंस किया गया था उसके बाद में फिल्म को एक के बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी कास्टिंग भी तभी की गई थी और उसके बाद फिल्म की इक्कीस नवम्बर दो तक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी और उसके बाद में फिल्म को दो एंड तक कंप्लीट कर करवा लिया गया था और उसके बाद इस फिल्म में जो गाने को कंपोज किया गया था वो टोटल गाने थे नौ जहाँ पे नौ बैकग्राउंड स्कोर थे इसके अलावा पांच टोटल सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से हिट साबित हुआ था और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी सारा सराहना मिली थी रिलीज़ के बाद फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस दोनों की तरफ से खाली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद इस फिल्म को जब बाहर देश रिलीज किया गया वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था कुछ चीज़ों के चलते फिल्म ज़रूर डिले हुई थी रिलीज़ के वक्त लेकिन उसके बाद जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिस वजह से फिल्म लोगों को काफ़ी सारी पसंद आई थी जिगर जिगत फिल्म के जो तमिल और सेटेलाइट राइट्स से है वो खरीदे हुए थे स्टार विजय ने यानी कि स्टार विजय के चैनल पर फिल्म आपको टेलीविजन पर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी और इस फिल्म के जो ओटीटी टी टी है वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास जिन्होंने जिगर जिगत फिल्म को सेम नाम के साथ वहाँ पे अवेलेबल करवाया हुआ है विथ इंग्लिश सबटाइटल और वो फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पे देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है इस फिल्म ने करीबन पच्चीस दिनों का जो वर्ल्डवाइड रन लिया था तब उस टाइम में छिया छियालीस करोड़ के आसपास 2014 में ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और एक 2014 की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर्स साबित हुई थी जिस वजह से जिगर थंडा फिल्म एक अच्छी खासी क्लासिकल कल्ट क्लासिक फिल्म में शामिल हो गई थी जहां पे मीडियम स्टार कास्ट के साथ भी फिल्म अच्छा खासा वर्क कर गई थी जिगरथंडा फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन राइट थे वो भी बेच दिए गए थे जिसको खरीदा हुआ था एशियन मीडिया ने फिल्म की डबिंग भी उन्होंने 2019 तक शायद कंप्लीट करवा ली थी एस पी एम यानी कि एशियन मीडिया जिन्होंने फिल्म को सेम नाम से सेंसर, सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदी से, सेंसर सर्टिफिकेट भी करवा लिया था और ये फिल्म टेलीविज़न प्रीमियर के लिए तैयार थी लेकिन तभी फिल्म के रीमेक राइट्स हिंदी में बेच दिए गए बच्चन पांडे के नाम से जो 2022 में आपको रीमेक देखने को मिल रहा है उसी की वजह से ठंडा फिल्म की हिंदी डब वर्जन को रिलीज़ रोक दी गई थी बच्चन पांडे ने मेकर्स के बच्चन पांडे के मेकर्स ने ठंडा के मेकर्स को इस फिल्म को डब वर्जन में रिलीज़ करने के लिए मना किया गया जिस वजह से एशियन मीडिया ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिल्म को पोस्टपोन पर रखा हुआ है अब जब बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ओ टी टी अवेलेबल हो जाएगी बाद में इस फिल्म को जगत हंडा फिल्म को हिंदी डब वर्जन में टेलीविज़न और यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा लेकिन उसके अलावा जो गड्डलकोंडा गाने से वो एक और रिमेक है वो गोलमांस वालों ने डब करवा के अब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिए जो आपको छः मार्च को रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे सेम नाम के साथ डिंगचक चैनल पे देखने को मिलेगी उसके बाद ज़रूर यूट्यूब चैनल पे वो फिल्म प्रीमियर नहीं करवाई जाएगी क्योंकि डिंचाक पे होने वाली फिल्म में प्रीमियर होने वाले फिल्म में गोलमेज वाले तुरंत प्रीमियर नहीं करवाते हैं गड्डल कोंडा गणेश फिल्म के जो लीड एक्टर्स है जो कास्टिंग है उसमें कौन से कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया था उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ वरुण तेज जो गनी के रोल में दिखाई देते हैं जिसका पूरा नाम है गड्डल कोंडा गणेश अथरवा जिन जिन्होंने अभिलाष यानी कि अभिका का रोल प्ले किया हुआ है पूजा हेगड़े जो श्रीदेवी यानी कि देवी के रोल में दिखाई देती है मीना रवि जिन्होंने बुज्जम्मा का रोल प्ले किया हुआ है सुप्रिया पाठक जो गड्डलकोंडा गणेश की माँ के रोल में दिखाई देती है ब्रह्मा जी जिन्होंने मुनी मानिक्यम के एक एक्टिंग कोच का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप जो अभी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं सरस्वती जो अभी की माँ के रोल में दिखाई देती है देवी प्रसाद जिन्होंने अभी के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है सुब्बा राजू जिन्होंने प्रभाकर के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है अन्नपूर्णा जो गनी की सेब के रोल में दिखाई देते हैं दानिकला भरानी जिन्होंने थिएटर ऑपरेटर का रोल प्ले किया हुआ है सत्या जिन्होंने चिंतकाई यानी कि अभिलाष के, के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्र जिन्होंने नलमुद्दू बाब का रोल प्ले किया हुआ है रघु बाबू जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा प्रभा श्रीनु जो आपको बलिया के रोल में दिखाई देंगे शत्रु जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पा जी अम्बारीसा दरबा जो श्रीदेवी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं ब्रह्मानंदम नितिन सुकुमार इनका एक गेस्ट अपीरेंस केम्यू अपीरेंस देखने को मिलेगा डिपल हयाती जरा जरा सॉन्ग में आइटम नंबर दिखाती हुई नजर आएंगे अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगी तो इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने निभाया हुआ था स्टोरी की बात करें तो अभिलाष यानी कि अथरवा एक अपी, अपकमिंग डायरेक्टर है जो एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते विथ एनी कॉस्ट और इसके लिए वो डिसाइड करते वो एक क्रिमिनल बेस्ड फिल्म बनाएंगे और उसके लिए एक कहानी के सर रिसर्च में निकल पड़ते हैं और उनका सामना होता है गड्डल कोंडा गणेश यानी कि वरुण तेज से जो एक ब्रूटल क्रिमिनल है और उनकी बारे में जानने के बाद वो फिक्स करते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे उनके नज़दीक जाकर उनके बारे में जानेंगे और साथ ही में कहानी के ऊपर पूरी डिटेलिंग लेंगे और इस फिल्म को वो डिरेक्ट करेंगे लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सभी चीज़ें वो गड्डल कोंडा गणेश के सामने रिवील करता है गड्डल कोंडा गणेश इस फिल्म के बनाने के लिए राजी तो हो जाते अपनी फिल्म अपनी लाइफ की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राजी तो हो जाते हैं लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे गणेश डिमांड करता है कि वो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करेगा तो अब बाकी की कहानी यही है कि अभिलाष किस तरह से इस डेडली गैंगस्टर को हैंडल करता है फिल्म को किस तरह से फिनिश करता है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी बनाई गई है इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कार्तिक सुब्बाराज सॉरी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हरीश शंकर जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्टर्स को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से वरुण तेज के किरदार को उन्होंने शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी सुपर मैनर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ था फिल्म में एक गैंगस्टर का लुक उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस उनके पास बेहतरीन वे में निकलवाई हुई थी उनकी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज में उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी साथ ही में फिल्म में कुछ बेसिक इमोशंस की थोड़ी बहुत आपको कमी नज़र आएंगी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थोड़ा वीक नज़र आएगा फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंथी नजर आएगा थोड़ी जगह पर हरी शंकर आपकी आपको अपनी ग्रिप लूज़ होते हुए नजर आएंगे प्रोसेडिंग के टाइम सेकंड हाफ में लेकिन बाकी जो एक अच्छा एलिमेंट होना चाहिए गुड मास एलिमेंट फनी एलिमेंट वो सभी चीज़ें वो भरपूर तरह एड करते हुए नज़र आते हैं इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वरुण तेज को एक मेक किया हुआ था उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉफ्ट गाय से एक हार्ड क्रिमिनल के रूप में वो बेहतरीन था उसी वजह से फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग नजर आती है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे वीटी टी डायलॉग सुनने को मिलते कुछ कॉमेडी पंचीज थे वन लाइनर्स थे उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था हरीश शंकर ने ओवरऑल वरुण के किरदार को अच्छी तरह से लिखा हुआ था उनकी डायलॉग डिलीवरी सुपर थी उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग थी अथरवा मुरली जो आपको एक डिसेंट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने मिकी जे मेयर के उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है एक डायरेक्टर अपकमिंग डायरेक्टर के रोल में उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप क्रिएट करने में कामयाब रहे अपने परफॉर्मेंस के साथ वो फिल्म में एक अलग इम्पेक्ट छोड़ते हुए नज़र आते हैं मिकी जे मेयर जिनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी टॉप नॉच वाला था उन्होंने बढ़िया तरीके से फ़िल्म को सपोर्ट का हो ऐसा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था फिल्म का जो माहौल है जो जोनर है उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से

उन्होंने जितने भी वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए अपने कॉमिक पंचिस को कॉमिक टाइमिंग जिस तरह से डिलीवर किए हुए वो काफ़ी बढ़िया थी वो फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स देने में कामयाब रहती है वहाँ पर आप जरूर हंस पड़ोगे पूजा हेगड़े फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी दिखने में काफ़ी गोल्जस और सिंपल नज़र आ रही थी वो श्रीदेवी का रोल प्ले कर रही है फिल्म में उनका रोल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जो वक्त है वो एड किया हुआ था अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने अपना टैलेंट जरूर दिखाया हुआ था हाँ उनका एक गेस्ट रोल बोल सकते रोल छोटा था लेकिन जितना भी काम था उसमें वो काफी बढ़िया नजर आ रही थी सुप्रिया पाठक जो काफी बढ़िया तरीके से अपने माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आती है राजा रवि अच्छा रोल मिला हुआ था अपने अच्छे रोल के साथ वो एक नीट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते फर्स्ट आपको बढ़िया तरीके से इस्टबलिश किया हुआ था डायरेक्टर ने जहाँ पे वरुण के किरदार को अच्छी तरह से एक ग्रेडिड क्रमिनर के तौर पे हमारे सामने पेश किया हुआ था वहाँ पे बढ़िया मसाला एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में उन सभी सिक्वेंस के साथ अच्छी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है इस फ़िल्म को तेलुगु वर्ज़न के हिसाब से तमिल वर्जन से थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए नज़र आएंगे जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीक्वेंस, है कुछ, कुछ, कुछ चीज़ें जो फिल्म को अलग करी हुए जो तेलुगु नेटिविटी है उस हिसाब से चेंज किया हुआ है लेकिन वो सभी चीज़ें अच्छे वे में जाती है इस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़रूर बड़ी है जहाँ पे हरी शंकर फिल्म को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करते हैं लेकिन उसको स्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम ले लेते इसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें है उसकी प्रोसेडिंग बढ़िया नहीं थी इमोशंस की कमी थी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर क्लाइमेक्स में जिस तरह से की हुई थी वो पोर्सफुल एडकी हो ऐसा नज़र आ रहा था पूजा हेगड़े का जो ट्रैक है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सीन्स थे लेकिन उन सभी चीज़ों की जरूरत नहीं थी ऐसा नज़र आ रहा था उसे आसानी से क्रिस्प किया जा सकता था अत्थरवर वरुण तेज के बीच में जो कन्फ्रट्रेशन वाले सीन थे उस उसको और एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया जा सकता था तो ये कुछ एक दो तो चीज़ें उसको सुधारा जा सकता था ओवरऑल फिल्म में जो मास एलिमेंट है वरुण तेज का जो मेक ओवर है जो फिल्म की स्टोरी लाइन है जो ब्लैक जो इंटरवल ब्लॉक है जो कॉमेडी सिक्वेंस है इन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है तो गड्डल कोंडा गणेश फिल्म एक अच्छी मास ड्रामा फिल्म है जहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको मास एलिमेंट्स मास एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रोसेडिंग देखने को मिलती है जो परफॉर्मेंसिस है वो शानदार देखने को मिलती है जिस तरह से ये जो कैरेक्टर बनाए हुए हैं वो, है वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिलते हैं इसके अलावा एडिटिंग को थोड़ा कट कम किया जा सकता था फिल्म को पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी फिल्म के लिरिक्स अच्छे थे डायलॉग्स बढ़िया थे साथ ही में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी टॉप नोच की थी जिस वजह से स्क्रीन में हर हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी

गणेश के नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने उनकी वेबसाइट पे इस फिल्म को विध इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पे आपको विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म तेलगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है जिगरथंडा वो भी डिजनी प्लस हॉस्टार वालों ने ही खरीदा हुआ है और वो जिगरथंडा फिल्म भी तमिल वर्जन में अवेलेबल की हुए डिजनी प्लस हॉस्टार में जहाँ पे विथ इंग्लिश सब वो फिल्म भी आप इन्जॉय कर पाओगे तो गड्डलकोंडा गणेश और जिगरथंडा दोनों तमिल और तेलुगु वर्जन आपको डिजनी प्लस हॉस्टार पर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप बात करें हिंदी डब वर्ज़न की तो फिल्म को पहले तो वाल्मीकि के नाम से डब करके रिलीज करने वाले थे लेकिन अब नाम फिर से चेंज हो चुका है जिसको ओरिजिनल नाम दे दिया गया है गड्डल कोंडा गणेश अब गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म के राइट्स ख़रीदे हुए हैं और उन्होंने ही इस फिल्म के सेटेला, राइड्स सेटेलाइट राइट्स भी ख़रीदे हुए है तो ये फिल्म आपको पहले सेटेलाइट चैनल ढिन्चाक पे देखने को मिलेगी जहाँ पे फिल्म का जो पहला वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर है वो है छः मार्च रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे सेम नाम के साथ एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डलकोंडा गणेश का पहला हिंदी डब वर्जन टेलीविजन प्रीमियर छः मार्च 2022 रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिन्चाक चैनल पे देखने को मिलेगा और उसके बाद इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर ज़रूर होगा लेकिन अभी नहीं होगा इस फिल्म का यूट्यूब सी प्रीमियर करीबन काफ़ी समय के बाद क्योंकि पे प्रीमियर होने वाली फिल्म में गोलमाइंस वाले तुरंत उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं करवाते हैं लेकिन जब कभी भी इस फिल्म का ऑफिशियल यूट्यूब प्रीमियर होगा तो वो गोलमस के ही चैनल पर करवाया जाएगा जहाँ पे ये फिल्म आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे इसके अलावा सैटेलाइट चैनल ढिंचा के ऊपर इस फिल्म को बारी बारी से प्रीमियर करवाने ही वाले जहाँ पे इस फिल्म को आप जरूर एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से सभी वर्जन यानी कि तमिल तेलुगु हिंदी डब और साथ ही में हिंदी वर्जन जो बच्चन पांडे नाम से 18 मार्च को आ रहा है इन सभी तरह इस जिस तरह से मैंने बताया उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकोगे गड्डल कोंडा गणेश जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी इस फिल्म को पहले नाम दिया गया था वाल्मीकि लेकिन कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते फिर से बाद में गड्डल कोंडा गणेश नाम देकर फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था सेम सिचुएशन हिंदी वर्जन में भी आई हुई थी जहाँ पे गड्डल कोंडा गणेश के नाम से इस फिल्म को जब तेलुगु में रिलीज किया गया उसके बाद हिंदी डब वर्जन के राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोल माइंस टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग वाल्मीकि के नाम से कंप्लीट करवाई हुई थी और ये फिल्म वो जल्दी वाल्मीकि के नाम से उनके टेलीविजन चैनल पे प्रीमियर करवाने वाले थे जहां पे 6 मार्च 2022 को रात को आठ बजे के टाइम पे वो ढिनचाक टेलीविज़न चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले थे और जहाँ पे उस फिल्म का नाम रखा गया था वाल्मीकि लेकिन हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि के नाम से थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिस वजह से फिल्म को फिर से सेंसर करवा के गड्डल कोंडा रेश के नाम से अब टेलीविज़न पर प्रीमियर करवाने वाले जहाँ पर टेलीविज़न प्रीमियर डेट सेम है यानी कि ये फिल्म आपको ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पर रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पर छः मार्च को देखने को मिलेगी कोंडा गणेश के नाम से सिर्फ नाम चेंज हुआ है बाकी पूरा कंटेंट सेम है तो यह फिल्म आपको कोंडा गणेश के नाम से 6 मार्च को रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिंचा चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी जिसकी वजह से अब इस फिल्म का जो नाम चेंज हुआ है तो कुछ डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको जरूर मिलेंगे गड्डल गड्डलकोंडा गणेश फिल्म को तेलुगु वर्जन में एक एक्शन कॉमेडी के तौर पर रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को लिखा और डेरेक्ट किया हुआ था हरीश शंकर ने स्क्रीन प्ले था वो मधु श्रीनिवास और मिथुन चैतन्य ने क्रिएट किया हुआ था जहां पे गड्डल कोंडा गणेश फिल्म 2014 की तमिल लैंग्वेज जिगर ठंडा का ऑफिशियल रीमेक वर्जन है इस फिल्म का एक और रीमेक वर्जन है जिसको नाम दिया हुआ है बच्चन पांडे जिसको अक्षय कुमार और इस एनन के साथ बनाया गया है हिंदी वर्जन में जो 18 मार्च से थिएटर में लगने वाली है तो इस तरह से इससे पहले इस फिल्म का जो तेलुगु रीमेक है उसके हिंदी राइट्स खरीद कर डब करवाकर गोलमाइंस वाले इस फिल्म को 6 मार्च को रात को 8:00 बजे के टाइम पे धिंचाक टेलीविजन चैनल पे प्रीमियर करवा देंगे जिस वजह से इस फिल्म की अच्छी खासी कंपटीशन होगी अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे से बच्चन पांडे को थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हिंदी में पहले आ जाएगी क्योंकि गडल कोंडा गणेश में चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं जगत थंडा के मुकाबले लेकिन वो तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए हैं जिस तरह से हिंदी वर्जन में भी बॉलीवुड की रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो करके देने वाले फिल्म में तो सेम वे में ऐसा किया हुआ है लेकिन जो बेसिक कोर पॉइंट है वो सेम है जिस वजह से गडल कोंडा गणेश अगर आप फिल्म देख लेते हो तो बच्चन पांडे देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा अब बात करें जिगर थंडा की तो वो 2014 की फिल्म थी तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी लेकिन वो फिल्म भी कोई प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है ये डर्टी कार्निवल करके एक साउथ कोरियन फिल्म थी जो 2006 में रिलीज की गई थी उस फिल्म से इस फिल्म का इंस्पिरेशन है यानी कि जो साउथ कोरियन फिल्म है अ डर्टी कार्निवल उससे इंस्पायर्ड होकर जिगर थंडा बनाई गई है हाँ जिगर थंडा में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जो तमिल नेटिविटी है उसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए अब बात कर लेते हैं कुंडा गणेश के बारे में जहां पे इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है वो है राज राम अचंटा और गोपी अचंटा जिन्होंने इस फिल्म को फोर्टीन रील्स प्लस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था जहां पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए एंग्स का बोस ने एडिटिंग की हुए छोटा के प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ मिकी जे मेयर ने और इस फिल्म को 20 सितंबर 2019 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे 25 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने बयालीस करोड़ और पाँच पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया होता जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जिसको करीबन एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक्शन थ्रिलर जोनर को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और इस फिल्म को आईएमडीबी पे 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था और आई पे करीबन 1100 सौ वोट किए गए थे तो इस तरह से इस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहां पे वाल्मीकि के नाम से चेंज कर कर इस फिल्म को गड्डला कोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट के चलते फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा था उसके बावजूद फिल्म अच्छा खासा एक मार्केट ले गई और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया था तो इस तरह से फिल्म को बनाकर रिलीज किया गया था जहां पे 20 सितंबर 2019 को फिल्म को काफी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला था कास्टिंग की बात करें तो वरुण तेज अथर्व पूजा हेगड़े मिर्नालिनी रवि सुप्रिया पाठक लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रह्मा जी प्रदीप सरस्वती देवी प्रसाद सुब्ब राजू अन्नपूर्णा तनिकेला भरानी सत्या राज रविंद्रन रघु बाबू प्रभा श्रीनु शत्रु अपाजी अंबारीसा दरभा ब्रह्मानंदम कामियोपीरेंस है नितिन सुकुमार इनका भी केम्यो अपरस है साथ ही में डिम्पल हयाती का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जरा जरा सॉन्ग में तो ये बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट में काम करते हुए नजर आएंगे तो इतने एक्टर्स है जिन्होंने फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाए हुए हैं अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेलिंग दूंगा प्रोडक्शन के ऊपर की बात करें तो 26 जनवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था दिल राजूस्व कुमार को बुलाया गया था लॉन्च इवेंट पे और इसका लॉन्च इवेंट करा गया था रामा नायडू फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में जहाँ पे अथरवा जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था मार्च दो में बाद में फिल्म में थोड़े बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ पूजा हेगड़े को कन्फर्म किया गया जिनको जुलाई में कन्फर्म किया गया था जुलाई में उन्होंने सेड ज्वाइन किया हुआ था मिकी जे मेयर जो इस फिल्म का म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे आपको इससे पहले इस फिल्म का म्यूजिक का कमान दिया गया था देवीश्री प्रसाद लेकिन इनिशियल अनाउंस के तौर पर इनका नाम लिया गया था लेकिन बाद में मिकी जे मेयर को लाया गया था क्योंकि देवीश्री प्रसाद के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे जिस वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दे पाए थे जिस वजह से जो डेट इश्यू थे उसके चलते मिकी जे मेयर के पास इस फिल्म का म्यूजिक चला गया था अब इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बात करें तो फिल्म में टोटल चार गानों को कंपोज किया गया है जिसकी लेंथ है तेरह मिनट दस सेकंड और इसको लेबल किया गया है सोनी म्यूजिक और सारे गा पाक के नीचे जहाँ पे सारे गमा वालों ने इल्लू वच्ची गोदरम्मा वाला गाना है वो लेबल किया हुआ है बाकी तीन गान हैं वो सोनी म्यूजिक के पास है अब इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में और इन दो लेबल्स के नीचे इन चार गानों को रिलीज़ किया गया था जिसमें जिसमें से तीन गाने सोनी म्यूजिक के पास है और एक गाने सारे गमा पा के सारे गमा पा के पास है और इसको 5 सितंबर 2019 में रिलीज किया गया था जहाँ पे पहला गाना जर्रा जर्रा, जर्रा जिसमें टिम्पल हयाती का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है उसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भारती रवि कुमार जिसके सिंगर है अनुराग कुलकर्णी और उमा नेहा इस गाने की लेंथ है तीन मिनट एक सेकंड दूसरा गाना गगन्ना विधिलो लो जिसके लिरिक्स लिखे हुए ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी और श्वेता सुब्रमण्यम और इसके गाने की लेंथ है तीन मिनट पंद्रह सेकंड तीसरा गाना वक्का वक्का जिसके लिरिक्स लिखे हुए है चंद्र बोस और सिंगर है अनुराग कुलकर्णी मिकी जे मेयर गाने की लेंथ थी तीन मिनट सत्ताईस सेकंड चौथा गाना इलू वच्ची गोदरम्मा इस गाने को डिस्ट्रीब्यूट सॉरी इस गाने को लेबल किया हुआ है सारे गाँ ने इसका एक रीज़न है ये ओरिजिनल गाना नहीं है वच्ची करके एक गाना आया हुआ था उन्नीस में देवता फिल्म से जो तेलुगु वर्जन की फ़िल्म थी तो उस फिल्म का वो गाना था उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके बनाया गया था जिस वजह से इसका लेबल है सारे गमा और इसको कंपोज किया हुआ था मिकी जे मेयर ने और लिरिक्स है वो लिखे हुए वेट्टूरी सुंदरम्मा मूर्ति ने सिंगर की बात करें तो एसपी बाला सुब्रमण्यम और पी सुशीला इन दोनों ने मिलकर इल्लूवी गजरम्मा गाने को गाया हुआ था जिसकी लेंथ थी तीन मिनट सत्ताईस सेकंड तो इस तरह से चार गानों की जो टोटल लेंथ निकल के आई हुए है वो है तेरह मिनट दस सेकंड तो इस तरह से फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक को रिलीज किया गया था पाँच सेप्टेम्बर दो को तो इस साउंड ट्रैक के ऊपर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज़ के ऊपर तो वाल्मीकि नाम से इस फिल्म को अनाउंस किया गया था कुछ दिनों के बाद फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस नाम को लेकर क्योंकि वाल्मीकि के नाम से एक संत आए हुए थे तो उनको एक नेगेटिव सेट में फिल्म में दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है उनके नाम को यूज़ करना थोड़ा लोगों में खटक रहा था जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग एक केस दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी प्रोटेस्ट किया गया था इस फिल्म के रग रिगार्डिंग क्योंकि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था जिस वजह से इस फिल्म ने के जो कम्युनिटी है उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के ऊपर अटैक करवाया हुआ था और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग भी आधे में रोक दी गई थी तो इतना कुछ होने के बाद फिल्म के जो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए फ़िल्म का नाम चेंज करना पड़ा जिसको नाम दिया गया बाद में गड्डल कोंडा गणेश और जब रिलीज़ के बारी आई तब फिल्म को नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया जहाँ पे सितंबर 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट में पेटीशन डाली गई थी जहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना कोर्ट में इसकी पटिशन के थ्रू वाल्मीकि से इस फिल्म को नाम दिया गया गड्डल कोंडा गणेश जिस वजह से फिल्म के रिलीज़ के छः घंटे पहले इस फिल्म का नाम गड्डल कोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था चेंज किया गया था जिस वजह से इस फिल्म को वाल्मीकि की जगह गटल कोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था मार्केटिंग रिलीज की बात करें तो जून 2019 में 14 रिल्स प्लस रन के द्वारा इस फिल्म का फ्री टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2019 को टीम के थ्रू इस फिल्म का टीज़र रिलीज किया गया था और उसके बाद में प्रमोटिंग सिंग फिल्म के जो सिंगल्स थे एल्बम में से एक के बाद एक प्रोमोट के लिए रिलीज़ किए गए थे फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसको फोर्टीन रिल प्लस के यूट्यूब चैनल पे अनवील किया गया था 9 सितंबर 2019 को फिल्म को शेड्यूल किया गया था 13 सितंबर 2019 को रिलीज करने के लिए लेकिन नानी स्टारर गैंग लीडर फिल्म थी उसके साथ ये फिल्म क्लेश हो रही थी जिस वजह से फिल्म को बाद में एक वीक पोस्टपोन करना पड़ा और उसके बाद फिल्म को बीस सेप्टेम्बर दो उन्नीस को फाइनली रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ रिलीज की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आसपास ग्रोस कलेक्शन करके दिखा दिया था इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन राइट ओल्ड आउट किए हुए थे गोल माइनस ने जिन्होंने रिलीज के वक्त ही फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे और बाद में फिल्म को उन्होंने डब करवा दिया और उसके बाद अब वो ढिंचाक चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले जहाँ पे छः मार्च दो को रात को आठ बजे के टाइम पे रही के दिन इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि गड्डलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज करने वाले इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि नाम दिया गया था लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे क्रिटिक्स ने वरुण तेज की परफॉर्मेंस काफ़ी सराहना की गई थी वो अभी तक एक चॉकलेट बॉय वाला किरदार प्ले करते तो हुए नज़र आ रहे थे सॉफ्ट बॉय का किरदार प्ले कर रहे थे अचानक एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था फिल्म में कुछ कॉमेडी थी जो लोगों को थोड़ी ज़्यादा फोर्स की हुई नज़र आ रही थी जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था लेकिन क्स ऑफिस पर एक बढ़िया हीट का टैग ले गई थी इस फिल्म ने जिस फिल्म का रीमेक किया हुआ है यानी कि जिगर थंडा उसके बारे में बात करें तो जिगर थंडा जिसका मीनिंग होता है कोल्ड हार्टेज जो 2014 की तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुबहराज ने यह फिल्म अर्डर टिकानेवल से इंस्पायर्ड है इस फिल्म का काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब वर्जन निकल चुका है और रीमेक वर्जन भी निकल चुका है जहाँ पर तेलुगु डब वर्जन दो में चिकड्डू दुकडू के नाम से रिलीज किया गया था साथ ही में कन्नडा में रीमेक किया गया था सेम टाइटल के साथ 2016 में उसके बाद 2019 में गड्डलकोंडा के नाम से गड्डलकोंडा गणेश के नाम से तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था उसी के साथ हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से 2022 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाली है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुबराज ने स्टोरी आईडिया स्क्रीन प्ले वो सभी चीजें भी उनकी थी प्रोड्यूसर्स काथी रेसन ने इस फिल्म को एसएमएस पिक्चर्स सॉरी ग्रुप कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और एस एम एस पिक्चर और कल संगम फिल्म के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको सिद्धार्थ बॉबी सिमा और लक्ष्मी मेनन देखने को मिले होंगे उनके अलावा करुणाकरण गुरु सोम सुंदरन आदू कलम नरेंद्र सौंदर राजन रामचंद्र दुरैराज सेंथिल कुमारन गंग सांगली मुरुगन बाला सिंह थेनावल दिल्ली गणेश सुधा जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले होंगे इस फिल्म को डेवलप किया गया था 2013 में अनाउंस किया गया था उसके बाद में फिल्म को एक के बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी कास्टिंग भी तभी की गई थी और उसके बाद फिल्म की 21 नवंबर 2013 तक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी और उसके बाद में फ़िल्म को 2014 एंड तक कंप्लीट करवा लिया गया था और उसके बाद इस फिल्म में जो गाने को कंपोज किया गया था वो टोटल गाने थे नौ जहाँ पे नौ बैकग्राउंड स्कोर थे इसके अलावा पांच टोटल सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से हिट साबित हुआ था और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी सारा सराहना मिली थी रिलीज़ के बाद फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस दोनों की तरफ से खाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद इस फिल्म को जब बाहर देश रिलीज़ किया गया वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था कुछ चीज़ों के चलते फिल्म ज़रूर डिले हुई थी रिलीज़ के वक्त लेकिन उसके बाद जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आए जिस वजह से फिल्म लोगों को काफ़ी सारी पसंद आई थी जिगर जिगत फिल्म के जो तमिल सेटेलाइट राइट्स से है वो खरीदे हुए थे स्टार विजय ने यानी कि स्टार विजय के चैनल पर फिल्म आपको टेलीविजन पे तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी और इस फिल्म के जो ओ टी है वो है डिजनी प्लस हॉट के पास जिन्होंने जिगर हंडा फिल्म को सेम नाम के साथ वहाँ पे अवेलेबल करवाया हुआ है विथ इंग्लिश सब और वो फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पर देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है इस फिल्म ने करीबन पच्चीस दिनों का जो वर्ल्ड वाइड रन लिया था तब उस टाइम में छिया करोड़ के आसपास 2014 में क्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और एक 2014 की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी जिस वजह से जिगर ठंडा फिल्म एक अच्छी खासी क्लासिकल कल्ट क्लासिक फिल्म में शामिल हो गई थी जहां पे मीडियम स्टार कास्ट के साथ भी फिल्म अच्छा खासा वर्क कर गई थी जिगर ठंडा फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन राइट थे वो भी बेच दिए गए थे जिसको खरीदा हुआ था एशियन मीडिया ने फिल्म की डबिंग भी उन्होंने 2019 तक शायद कंप्लीट करवा ली थी एसपीएम आर्ट्स यानी कि एशियन मीडिया जिन्होंने फिल्म को सेम नाम से, से सेंसर, सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदी से, सेंसर सर्टिफिकेट भी करवा लिया था और ये फिल्म टेलीविज़न प्रीमियर के लिए तैयार थी लेकिन तभी फिल्म के रीमेक राइट्स हिंदी में बेच दिए गए बच्चन पांडे के नाम से जो 2022 में आपको रीमेक देखने को मिल रहा है उसी की वजह से जिगत हंडा फिल्म की हिंदी डव वर्जन को रिलीज़ रोक दी गई थी बच्चन पांडे ने मेकर्स के बच्चन पांडे के मेकर्स ने जिगत हंडा के मेकर्स को इस फिल्म को डब वर्जन में रिलीज करने के लिए मना किया गया जिस वजह से एशियन मीडिया ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिल्म को पोस्टपोन पे रखा हुआ है अब जब बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ओ टी पे अवेलेबल हो जाएगी बाद में इस फिल्म को ठंडा फिल्म को हिंदी डब वर्जन में टेलीविज़न और यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा लेकिन उसके अलावा जो गड्डलकोंडा गने से वो एक और रिमेक है वो गोलमाइंस वालों ने डब करवा के अब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिए जो आपको छः मार्च को रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे सेम नाम के साथ डिंगचक चैनल पे देखने को मिलेगी उसके बाद ज़रूर यूट्यूब चैनल पे वो फिल्म प्रीमियर नहीं करवाई जाएगी क्योंकि डिंगचाक पे होने वाली फिल्में प्रीमियर होने वाले फिल्म में गोलमेस वाले तुरंत प्रीमियर नहीं करवाते हैं गड्डल कोंडा गणेश फिल्म के जो लीड एक्टर्स है जो कास्टिंग है उसमें कौन से कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया था उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ वरुण तेज जो गनी के रोल में दिखाई देते हैं जिसका पूरा नाम है गड्डल कोंडा गणेश अथरवा जिन जिन्होंने अभिलाष यानी कि अभिका का रोल प्ले किया हुआ है पूजा हेगड़े जो श्रीदेवी यानी कि देवी के रोल में दिखाई देती है मीनालिनी रवि जिन्होंने बुज्जम्मा का रोल प्ले किया हुआ है सुप्रिया पाठक जो गड्डलकोंडा गणेश की माँ के रोल में दिखाई देती है ब्रह्मा जी जिन्होंने मुनी मानिक्यम के एक एक्टिंग कोच का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप जो अभी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं सरस्वती जो अभी की माँ के रोल में दिखाई देती है देवी प्रसाद जिन्होंने अभी के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है सुब्ब राजू जिन्होंने प्रभाकर के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है अन्नपूर्णा जो गनी की सेब के रोल में दिखाई देते हैं दैनिकला भरानी जिन्होंने थिएटर ऑपरेटर का रोल प्ले किया हुआ है सत्या जिन्होंने चिंतकाई यानी कि अभिलाष के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्र जिन्होंने नलमुद्दू बाब का रोल प्ले किया हुआ है रघु बाबू जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा प्रभा श्रीनु जो आपको बलिया के रोल में दिखाई देंगे शत्रु जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पा जी अम्बारीसा दरबा जो श्रीदेवी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं ब्रह्मानंदम नितिन सुकुमार इनका एक गेस्ट अपीरेंस केम्यू अपीरेंस देखने को मिलेगा डिम्पल हयाती जरा जरा सॉन्ग में आइटम नंबर दिखाती हुई नज़र आएंगी अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आएंगी तो इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने निभाया हुआ था स्टोरी की बात करें तो अभिलाष यानी कि अथरवा एक अपी अपकमिंग डायरेक्टर है जो एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते विथ एनी कॉस्ट और इसके लिए वो डिसाइड करते वो एक क्रिमिनल बेस्ड फिल्म बनाएंगे और उसके लिए एक कहानी के सर रिसर्च में निकल पड़ते हैं और उनका सामना होता है गड्डल कोंडा गणेश यानी कि वरुण तेज से जो एक ब्रूटल क्रिमिनल है और उनकी बारे में जानने के बाद वो फिक्स करते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे उनके नज़दीक जाकर उनके बारे में जानेंगे और साथ ही में कहानी के ऊपर पूरी डिटेलिंग लेंगे और इस फिल्म को वो डिर करेंगे लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सभी चीज़ें वो गड्डल कोंडा गणेश के सामने रिवील करता है गड्डल कोंडा गणेश इस फिल्म के बनाने के लिए राजी तो हो जाते हैं अपनी फिल्म अपनी लाइफ की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राजी तो हो जाते लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे गणेश डिमांड करता है कि वो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करेगा तो अब बाकी की कहानी यही है कि अभिलाष किस तरह से इस डेडली गैंगस्टर को हैंडल करता है फिल्म को किस तरह से फिनिश करता है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी बनाई गई है इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कार्तिक सुब्बाराज सॉरी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हरीश शंकर जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्टर्स को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से वरुण तेज के किरदार को उन्होंने शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी सुपर मैनर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ था फिल्म में एक गैंगस्टर का लुक उसके अलावा उनकी परफॉमेंस उनके पास बेहतरीन वे में निकलवाई हुई थी उनकी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज में उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी साथ ही में फिल्म में कुछ बेसिक इमोशंस की थोड़ी बहुत आपको कमी नज़र आएंगी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थोड़ा वीक नज़र आएगा फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंथी नजर आएगा थोड़ी जगह पर हरीशंकर आपकी आपको ल... अपनी ग्रिप लूज होते हुए नजर आएंगे प्रोसीडिंग के टाइम सेकंड हाफ़ में लेकिन बाकी जो एक अच्छा एलिमेंट होना चाहिए गुड मास एलिमेंट फनी एलिमेंट वो सभी चीज़ें वो भरपूर तरह एड करते हुए नज़र आते हैं इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वरुण तेज को एक मेक किया हुआ था उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉफ्ट गाय से एक हार्ड कोर क्रिमिनल के रूप में वो बेहतरीन था उसी वजह से फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग नज़र आती है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे वी टी डायलॉग सुनने को मिलते कुछ कॉमेडी पंचीज थे वन लाइनर्स थे उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था हरीश शंकर ने ओवरऑल वरुण के किरदार को अच्छी तरह से लिखा हुआ था उनकी डायलॉग डिलीवरी सुपर थी उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग थी अथर वाह मुरली जो आपको एक डिसेंट डेब्यू करते हुए नज़र आएंगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने मिकी जे मेयर के उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है एक डायरेक्टर अपकमिंग डायरेक्टर के रोल में उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे अपने परफॉर्मेंस के साथ वो फिल्म में एक अलग इंपेक्ट छोड़ते हुए नजर आते हैं मिकी जे मेयर जिनका बैकग्राउंड स्कोर काफी टॉप नॉच वाला था उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म को सपोर्ट का हो ऐसा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था फिल्म का जो माहौल है जो जोनर है उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट हुआ था जो फिल्म को एक अलग लेवल पे एलिवेट करने में कामयाब हो रहा था इस फिल्म में कॉमेडियन सत्य आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने को किया हुआ है वो नजर आते हैं उन्होंने क्रूसल पॉइंट पर अपना काम दिखाया हुआ है वो काफी बढ़िया है फिल्म के क्रूसल पॉइंट पर उनका रोल आता है और वो सभी चीजें आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है उन्होंने जितने भी वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए अपने कॉमिक पंचिस को कॉमिक टाइमिंग जिस तरह से डिलीवर किए हुए वो काफी बढ़िया थी वो फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स देने में कामयाब रहती है वहां पे आप जरूर हंस पड़ोगे पूजा हेगड़े फिल्म में काफी बढ़िया नजर आ रही थी दिखने में काफी गोर्ज और सिंपल नजर आ रही थी वो श्रीदेवी का रोल प्ले कर रही है फिल्म में उनका रोल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपना जो वक्त है वो एड किया हुआ था अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने अपना टैलेंट जरूर दिखाया हुआ था हाँ उनका एक गेस्ट रोल बोल सकते हैं रोल छोटा था लेकिन जितना भी काम था उसमें वो काफी बढ़िया नजर आ रही थी सुप्रिया पाठक जो काफी बढ़िया तरीके से अपने माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आते। को बढ़िया तरीके से किया हुआ था, डायरेक्टर ने जहां के किरदार को अच्छी तरह से तौर पे हमारे सामने पेश किया हुआ था वहां पे बढ़िया मसाला एलिमेंट डाले हुए और साथ ही सीक्वेंस के साथ अच्छी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है इस फ़िल्म को तेलुगु वर्ज़न के हिसाब से तमिल वर्जन से थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए नज़र आएंगे जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीक्वेंस, है कुछ चीज़ें जो फिल्म को अलग करी हुई है जो जो तेलुगु नेटिविटी है उस हिसाब से चेंज किया हुआ है लेकिन वो सभी चीज़ें अच्छे वे में जाती है इस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़रूर बड़ी है जहाँ पर शंकर फिल्म को अच्छी तरह से इस्टब्लिश करते हैं लेकिन उसको इस्टेब्लिस करने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं इसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें हैं उसकी प्रोसेडिंग बढ़िया नहीं थी इमोशंस की कमी थी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर क्लाइमेक्स में जिस तरह से एड की हुई थी वो फोर्सफुल एड की हो ऐसा नज़र आ रहा था पूजा हेगड़े का जो ट्रैक है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सीन्स थे लेकिन उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी ऐसा नजर आ रहा था उसे आसानी से क्रिस्प किया जा सकता था अत्थरव और वरुण तेज के बीच में जो कन्फ्रंट्रेशन वाले सीन थे उसको और एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया जा सकता था तो ये कुछ एक दो तो चीज़ें उसको सुधारा जा सकता था ओवरऑल फिल्म में जो मास एलिमेंट है वरुण तेज का जो मेक है जो फिल्म की स्टोरी लाइन है जो ब्लैक जो इंटरवल ब्लॉक है जो कॉमेडी सिक्वेंस है इन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है तो गड्डल कोंडा गणेश फिल्म एक अच्छी मास ड्रामा फिल्म है जहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको मास एलिमेंट्स मास एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रोसेडिंग देखने को मिलती है जो परफॉर्मेंसिस है वो शानदार देखने को मिलती है जिस तरह से ये जो कैरेक्टर बनाए हुए है वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिलते हैं इसके अलावा एडिटिंग को थोड़ा कट कम किया जा सकता था फिल्म को पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी फिल्म के लिरिक्स अच्छे थे डायलॉग्स बढ़िया थे साथ ही में जो प्रोडक्शन वैल्यू है हाँ वो काफ़ी टॉप नोच की थी जिस वजह से स्क्रीन में हर हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी तो ये और और एक अच्छी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सके देखा जा सकता है अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन जरूर फुलफिल हो जाएगी इसको अच्छी तरह से बनाई गई फिल्मेकर है, है लेकिन एक अच्छा रीमेक है जिसे जरूर देख सकते हो तो इस फिल्म को अगर आप तेलुगु वर्जन में देखना चाहते हो तो गड्डल कोंडा गणेश के नाम से इसको ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल करवाया हुआ है जहां पर इस फिल्म को आप जरूर इंजॉय कर पाओगे गड्डलोंडा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया तो तेलगू वर्जन में देखने को मिल जाएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है जिगर थंडा वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने ही खरीदा हुआ है और वो जिगर थंडा फिल्म भी तमिल वर्जन में अवेलेबल की हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार में जहाँ पे विथ इंग्लिश सब वो फिल्म भी आप इंजॉय कर पाओगे तो गड्डलकोंडा गणेश और जिगर दोनों तमिल और तेलगु वर्जन आपको डिजनी प्लस पे विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे जहां पे आप बात करें हिंदी डब वर्जन की तो फिल्म को पहले तो वाल्मीकि के नाम से डब करके रिलीज़ करने वाले थे लेकिन अब नाम फिर से चेंज हो चुका है जिसको ओरिजिनल नाम दे दिया गया है गड्डलकोंडा गणेश अब गोल वालों ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं और उन्होंने ही इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स सेटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको पहले सेटेलाइट चैनल ढिन्चाक पे देखने को मिलेगी जहाँ पे फिल्म का जो पहला वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर है वो है छः मार्च रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे सेम नाम के साथ एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि गड्डलकोंडा व गणेश का पहला हिंदी डब वर्जन टेलीविजन प्रीमियर छः मार्च 2022 रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिचाक चैनल पे देखने को मिलेगा और उसके बाद इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर जरूर होगा लेकिन अभी नहीं होगा इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर करीबन काफ़ी समय के बाद क्योंकि ढिन्चाक पे प्रीमियर होने वाली फिल्म में गोलमस वाले तुरंत उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं करवाते हैं लेकिन जब कभी भी इस फिल्म का ऑफिशियल यूट्यूब प्रीमियर होगा तो वो गोलमस के ही चैनल पर करवाया जाएगा जहाँ पे ये फ़िल्म आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे इसके अलावा सैटेलाइट चैनल ढिंचा के ऊपर इस फिल्म को बारी बारी से प्रीमियर करवाने ही वाले जहां पे इस फिल्म को आप जरूर इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से सभी वर्जन यानी कि तमिल तेलुगु हिंदी डब और साथ ही में हिंदी वर्जन जो बच्चन पांडे नाम से 18 मार्च को आ रहा है इन सभी तरह इस जिस तरह से मैंने बताया उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकोगे गड्डल कोंडा गणेश जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी इस फिल्म को पहले नाम दिया गया था वाल्मीकि लेकिन कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते फिर से बाद में गड्डल कोंडा गणेश नाम देकर फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था सेम सिचुएशन हिंदी वर्जन में भी आई हुई थी जहाँ पर गड्डल कोंडा गणेश के नाम से इस फिल्म को जब तेलुगु में रिलीज़ किया गया उसके बाद हिंदी डब वर्जन के राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोल माइंस टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग वाल्मीकि के नाम से कंप्लीट करवाई हुई थी और ये फिल्म वो जल्दी वाल्मीकि के नाम से उनके टेलीविजन चैनल ढिंचाक पे प्रीमियर करवाने वाले थे जहां पे 6 मार्च 2022 को रात को आठ बजे के टाइम पे वो ढीचाक टेलीविज़न चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले थे और जहाँ पे उस फिल्म का नाम रखा गया था वाल्मीकि लेकिन हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि के नाम से थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिस वजह से फिल्म को फिर से सेंसर करवा के गड्डल कोंडा रगनेस के नाम से अब टेलीविज़न पर प्रीमियर करवाने वाले हैं जहाँ पर टेलीविज़न प्रीमियर डेट सेम है यानी कि ये फिल्म आपको ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पर रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पर छः मार्च को देखने को मिलेगी कोंडा गणेश के नाम से सिर्फ नाम चेंज हुआ है बाकी पूरा कंटेंट सेम है तो यह फिल्म आपको गड्डल कोंडा गणेश के नाम से छह मार्च को रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी जिसकी वजह से अब इस फिल्म का जो नाम चेंज हुआ है तो कुछ डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको जरूर मिलेंगे कोंडा गणेश फिल्म को तेलुगु वर्जन में एक एक्शन कॉमेडी के तौर पर रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था हरीश शंकर ने स्क्रीन प्ले था वो मधु श्रीनिवास और मिथुन चेत

इस फिल्म की अच्छी खासी कंपटीशन होगी अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे से बच्चन पांडे को थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हिंदी में पहले आ जाएगी क्योंकि गडल कोंडा गणेश में चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं जगह ठंडा के मुकाबले लेकिन वो तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए हैं जिस तरह से हिंदी वर्जन में भी बॉलीवुड की रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो करके देने वाले फिल्म में तो सेम वे में ऐसा किया हुआ है लेकिन जो बेसिक कोर पॉइंट है वो सेम है जिस वजह से गडल कोंडा गणेश अगर आप फिल्म देख लेते हो तो बच्चन पांडे देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा अब बात करें जिगर थंडा की तो वो 2014 की फिल्म थी तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी लेकिन वो फिल्म भी कोई प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है ये डर्टी कार्निवल करके एक साउथ कोरियन फिल्म थी जो 2006 में रिलीज की गई थी उस फिल्म से इस फिल्म का इंस्पिरेशन है यानी कि जो साउथ कोरियन फिल्म है अ डर्टी कार्निवल उससे इंस्पायर्ड होकर जिगरथंडा बनाई गई है हाँ जिगर थंडा में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जो तमिल नेटिविटी है उसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए अब बात कर लेते हैं डकुंडा गणेश के बारे में जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है वो है राज राम अटंट अचंटा और गोपी अचंटा जिन्होंने इस फिल्म को फोर्टीन रील्स प्लस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था जहां पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए का बोस ने एडिटिंग की हुए छोटा के प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ मिकी जे मेयर ने और इस फिल्म को 20 सितंबर 2019 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पर 25 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने बयालीस करोड़ और पाँच पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया होता, जिसके साथ ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जिसको करीबन एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक्सन थ्री एक्शन थ्रिलर जोनर को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया गया था और इस फिल्म को आई पे छः पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था और आईएमडीबी पे करीबन ग्यारह सौ वोट किए गए थे तो इस तरह से इस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे वाल्मीकि के नाम से चेंज कर कर इस फिल्म को गड्डेला कोंडा गणेश के नाम से रिलीज किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट के चलते फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा था उस उसके बावजूद फिल्म अच्छा खासा एक मार्केट ले गई और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया था तो इस तरह से फिल्म को बनाकर रिलीज किया गया था जहां पे 20 सितंबर 2019 को फिल्म को काफी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मृणालिनी रवि को मिलेंगे ब्रह्मा जी प्रदीप सरस्वती देवी प्रसाद सुब्ब अन्नपूर्णा तनिकेला भरानी सत्या राज रविंद्रन रघुबाबू प्रभा श्रीनु शत्रु अपाजी अंबारी ब्रह्मानंदम काम से नितिन सुकुमार इनका भी केम्योपीरियंस है साथ ही में डिम्पल हयाती का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जरा जरा सॉन्ग में तो ये बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट में काम करते हुए नजर आएंगे तो इतने एक्टर्स है जिन्होंने फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाए हुए हैं अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेलिंग दूंगा प्रोडक्शन के ऊपर की बात करें तो 26 जनवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था दिल राजूस्व कुमार को बुलाया गया था लॉन्च इवेंट पे और इसका लॉन्च इवेंट करा गया था रामा नायडू फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में जहां पे हज़ार जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था मार्च 2019 में बाद में फिल्म में थोड़े बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ पूजा हेगड़े को कंफर्म किया गया जिनको जुलाई में कंफर्म किया गया था और जुलाई में उन्होंने सेट ज्वाइन किया हुआ था मिकी जे मेयर जो इस फिल्म का म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे आपको इससे पहले इस फिल्म का म्यूजिक का कमान दिया गया था देवी प्रसाद लेकिन इनिशियल अनाउंस के तौर पर इनका नाम लिया गया था लेकिन बाद में मिकी जे मेयर को लाया गया था क्योंकि देवीश्री प्रसाद के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे जिस वजह से वो इस प्रोजेक्ट पे उतना ध्यान नहीं दे पाए थे जिस वजह से जो डेट इश्यू थे उसके चलते मिकी जे मेयर के पास इस फिल्म का म्यूजिक चला गया था अब इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बात करें तो फिल्म में टोटल चार गानों को कंपोज किया गया है जिसकी लेंथ है तेरह मिनट दस सेकंड और इसको लेबल किया गया है सोनी म्यूज़िक और सारे गा के नीचे जहाँ पे सारे गा वालों ने इल्लू वच्ची गोदरम्मा वाला गाना है वो लेबल किया हुआ है बाकी तीन गाने हैं वो सोनी म्यूजिक के पास है अब इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में और इन दो लेबल्स के नीचे इन चार गानों को रिलीज़ किया गया था जिसमें जिसमें से तीन गाने सोनी म्यूजिक के पास है और एक गाने सारे गमा पास के सारे गमा पा के पास है और इसको 5 सितंबर 2019 में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे पहला गाना जर्रा जर्रा, जर्रा जिसमें डिम्पल हयाती का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है उसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भारती रवि कुमार जिसके सिंगर है अनुराग कुलकर्णी और उमास नेहा इस गाने की लेंथ है तीन मिनट एक सेकंड दूसरा गाना गगन्ना विधिलो लो जिसके लिरिक्स लिखे हुए ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी और श्वेता सुब्रमण्यम और इसके गाने की लेंथ है तीन मिनट पंद्रह सेकंड तीसरा गाना वक्का वक्का जिसके लिरिक्स लिखे हुए है चंद्र बोस और सिंगर है अनुराग कुलकर्णी मिकी जे मेयर गाने की लेंथ थी तीन मिनट सत्ताईस सेकंड चौथा गाना इलू वच्ची गोदरम्मा इस गाने को डिस्ट्रीब्यूट सॉरी इस गाने को लेबल किया हुआ सारे गमा ने इसका एक रीज़न है ये ओरिजिनल गाना नहीं है वच्ची करके एक गाना आया हुआ था उन्नीस में देवता फिल्म से जो तेलुगु वर्जन की फिल्म थी तो उस फिल्म का वो गाना था उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके बनाया गया था जिस वजह से इसका लेबल है सारे गमा और इसको कंपोज किया हुआ था मिकी जे मेयर ने और लिरिक्स है वो लिखे हुए वेट्टूरी सुंदरम्मा मूर्ति ने सिंगर की बात करें तो एसपी बाला सुब्रमण्यम और पी सुशीला इन दोनों ने मिलकर इ्लू गजरम्मा गाने को गाया हुआ था जिसकी लेंथ थी तीन मिनट सत्ताईस सेकंड तो इस तरह से चार गानों की जो टोटल लेंथ निकल के आई हुई है वो है तेरह मिनट दस सेकंड तो इस तरह से फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक को रिलीज किया गया था पाँच सेप्टेम्बर दो को तो इस साउंड ट्रैक के ऊपर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज़ के ऊपर तो वाल्मीकि नाम से इस फिल्म को अनाउंस किया गया था कुछ दिनों के बाद फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस नाम को लेकर क्योंकि वाल्मीकि के नाम से एक संत आए हुए थे तो उनको एक नेगेटिव सेट में फिल्म में दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है उनके नाम को यूज़ करना थोड़ा लोगों में खटक रहा था जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग एक केस दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश में अं... अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी प्रोटेस्ट किया गया था इस फिल्म के रिगार्डिंग क्योंकि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था जिस वजह से इस फिल्म ने के जो कम्युनिटी है उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के ऊपर अटैक करवाया हुआ था और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग भी आधे में रोक दी गई थी तो इतना कुछ होने के बाद फिल्म के जो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा जिसको नाम दिया गया बाद में गड्डल कोंडा गणेश और जब रिलीज़ के बारी आई तब फिल्म को नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया जहाँ पे सेप्टेम्बर दो में तेलंगाना हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई थी जहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना कोर्ट में इसकी पेटीशन के थ्रू वाल्मीकि से इस फिल्म को नाम दिया गया गड्डल कोंडा गणेश जिस वजह से फिल्म के रिलीज़ के छः घंटे पहले इस फिल्म का नाम गड्डल कोंडा गणेश के नाम से रिलीज किया गया था चेंज किया गया था जिस वजह से इस फिल्म को वाल्मीकि की जगह कोंटा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था मार्केटिंग रिलीज की बात करें तो जून 2019 में 14 रिल्स प्लस रन के द्वारा इस फिल्म का फ्री टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया गया था 15 अगस्त 2019 को टीम के थ्रू इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया गया था और उसके बाद में प्रमोटिंग सिंग फिल्म के जो सिंगल्स थे एल्बम में से एक के बाद एक प्रोमोट के लिए रिलीज़ किए गए थे फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसको फोर्टीन ट्रिल प्लस के यूट्यूब चैनल पर अनविल किया गया था नौ सेप्टेम्बर दो को फिल्म को शेड्यूल किया गया था तेरह सेप्टेम्बर दो को रिलीज करने के लिए लेकिन नानी स्टार और गैंग लीडर फिल्म थी उसके साथ ये फिल्म क्लेश हो रही थी जिस वजह से फिल्म को बाद में एक वीक पोस्टपोन करना पड़ा और उसके बाद फिल्म को 20 सितंबर दो उन्नीस को फाइनली रिलीज़ किया गया था जहां पे फिल्म करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ रिलीज़ की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आसपास ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया था इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने रिलीज़ के वक्त ही फिल्म के राइट्स ख़रीद लिए थे और बाद में फ़िल्म को उन्होंने डब करवा दिया और उसके बाद अब वो ढिंचाक चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले जहाँ पे छः मार्च दो को रात को आठ बजे के टाइम पर रविवार के दिन इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि गड्डल कोंडा गणेश के ही नाम से रिलीज़ करने वाले इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि नाम दिया गया था लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे क्रिटिक्स ने वरुण तेज की परफॉर्मेंस काफी सराहना की गई थी वो अभी तक एक चॉकलेट बॉय वाला किरदार प्ले करते हुए नजर आ रहे थे सॉफ्ट बॉय का किरदार प्ले कर रहे थे अचानक एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल देखने को मिला वो काफ़ी ज्यादा लोगों को पसंद आया था फिल्म में कुछ कॉमेडी थी जो लोगों को थोड़ी ज्यादा फोर्स किए हुई नज़र आ रही थी जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था लेकिन क्स ऑफिस पर एक बढ़िया हीट का टैग ले गई थी इस फिल्म ने जिस फिल्म का रीमेक किया हुआ है यानी कि जिगर थंडा उसके बारे में बात करें तो जिगर थंडा जिसका मीनिंग होता है कोल्ड हार्टेज जो 2014 की तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुबहराज ने यह फिल्म अडर टिकानेवल से इंस्पायर्ड है इस फिल्म का काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब वर्जन निकल चुका है और रीमेक वर्जन भी निकल चुका है जहाँ पर तेलुगु डब वर्जन दो में चिकड्डू दुकडू के नाम से रिलीज किया गया था साथ ही में कन्नडा में रीमेक किया गया था सेम टाइटल के साथ 2016 में उसके बाद 2019 में गड्डल कोंडा के नाम से गड्डल कोंडा गणेश के नाम से तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था उसी के साथ हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से 2022 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाली है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है कार्तिक सुबराज ने स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले वो सभी चीज़ें भी उनकी ही थी प्रोड्यूसर्स काथी रेसन ने इस फिल्म को एस पिक्चर्स सॉरी ग्रुप कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और एस एम एस पिक्चर और कल संगम फिल्म के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको सिद्धार्थ बोबी सिमा और लक्ष्मी मेनन देखने को मिले होंगे उनके अलावा करुणाकरण गुरु सोम सुंदरन आदू कलम नरेंदन राजन रामचंद्र दुरैराज सेंथिल कुमारन गंग सांगली मुरुगन बाला सिंह थेनावल दिल्ली गणेश सुधा जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले होंगे इस फिल्म को डेवलप किया गया था 2013 में अनाउंस किया गया था उसके बाद में फिल्म को एक के बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी कास्टिंग भी तभी की गई थी और उसके बाद फिल्म की इक्कीस नवम्बर दो तक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी और उसके बाद में फ़िल्म को 2014 एंड तक कंप्लीट करवा लिया गया था और उसके बाद इस फिल्म में जो गाने को कंपोज किया गया था वो टोटल गाने थे नौ जहाँ पे नौ बैकग्राउंड स्कोर थे इसके अलावा पांच टोटल सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से हिट साबित हुआ था और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी सारा सराहना मिली थी रिलीज़ के बाद फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस दोनों की तरफ से खाली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद इस फिल्म को जब बाहर देश रिलीज किया गया वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था कुछ चीज़ों के चलते फिल्म ज़रूर डिले हुई थी रिलीज़ के वक्त लेकिन उसके बाद जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिस वजह से फिल्म लोगों को काफ़ी सारी पसंद आई थी जिगत फिल्म के जो तमिल और सेटेलाइट राइड्स से है वो खरीदे हुए थे स्टार विजय ने यानी कि स्टार विजय के चैनल पर फिल्म आपको टेलीविजन पर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी और इस फिल्म के जो ओ टी टी राइड्स है वो है डिजनी प्लस हॉट के पास जिन्होंने जिगत फिल्म को सेम नाम के साथ वहाँ पर अवेलेबल करवाया हुआ है विथ इंग्लिश सब और वो फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पर देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है इस फिल्म ने करीबन पच्चीस दिनों का जो वर्ल्डवाइड रन लिया था तब उस टाइम में छिया छियालीस करोड़ के आसपास 2014 में ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और एक 2014 की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी जिस वजह से जिगर फिल्म एक अच्छी खासी क्लासिकल कल्ट क्लासिक फिल्म में शामिल हो गई थी जहां पे मीडियम स्टार कास्ट के साथ भी फिल्म अच्छा खासा वर्क कर गई थी जिगर फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन राइट थे वो भी बेच दिए गए थे जिसको ख़रीदा हुआ था एशियन मीडिया ने फिल्म की डबिंग भी उन्होंने 2019 तक शायद कंप्लीट करवा ली थी एस पी एम यानी कि एशियन मीडिया जिन्होंने फिल्म को सेम नाम से सेंसर, सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदी डबर्सन से, सेंसर सर्टिफिकेट भी करवा लिया था और ये फिल्म टेलीविज़न प्रीमियर के लिए तैयार थी लेकिन तभी फिल्म के रीमेक राइट्स हिंदी में बेच दिए गए बच्चन पांडे के नाम से जो 2022 में आपको रीमेक देखने को मिल रहा है उसी की वजह से जिगत्डा फिल्म की हिंदी डव वर्जन को रिलीज़ रोक दी गई थी बच्चन पांडे ने मेकर्स के बच्चन पांडे के मेकर्स ने जिगत के मेकर्स को इस फिल्म को डब वर्जन में रिलीज़ करने के लिए मना किया गया जिस वजह से एशियन मीडिया ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिल्म को पोस्टपोन पे रखा हुआ है अब जब बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ओ टी टी पे अवेलेबल हो जाएगी बाद में इस फिल्म को जगत ठंडा फिल्म को हिंदी डब वर्जन में टेलीविज़न और यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा लेकिन उसके अलावा जो गड्डलकोंडा गने से वो एक और रिमेक है वो गोलमांस वालों ने डब करवा के अब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिए जो आपको छः मार्च को रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे सेम नाम के साथ डिंचक चैनल पे देखने को मिलेगी उसके बाद ज़रूर यूट्यूब चैनल पे वो फिल्म प्रीमियर नहीं करवाई जाएगी क्योंकि डिंचक पे होने वाली फिल्म में प्रीमियर होने वाले फिल्म में गोलमैस वाले तुरंत प्रीमियर नहीं करवाते हैं गड्डल कोंडा गणेश फिल्म के जो लीड एक्टर से जो कास्टिंग है उसमें कौन से कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया था उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ वरुण तेज जो गनी के रोल में दिखाई देते हैं जिसका पूर पूरा नाम है गड्डल कोंडा गणेश अथरवा जिन जिन्होंने अभिलाष यानी कि अभिका रोल प्ले किया हुआ है पूजा हेगड़े जो श्रीदेवी यानी कि देवी के रोल में दिखाई देती है मीना रवि जिन्होंने बुज्जम्मा का रोल प्ले किया हुआ है सुप्रिया पाठक जो गड्डलकोंडा गणेश की माँ के रोल में दिखाई देती है ब्रह्मा जी जिन्होंने मुनी मानिक्यम के एक एक्टिंग कोच का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप जो अभी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं सरस्वती जो अभी की माँ के रोल में दिखाई देती है देवी प्रसाद जिन्होंने अभी के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है सुब्बा राजू जिन्होंने प्रभाकर के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है अन्नपूर्णा जो गनी की सेब के रोल में दिखाई देते हैं दानिकला भरानी जिन्होंने थिएटर ऑपरेटर का रोल प्ले किया हुआ है सत्या जिन्होंने चिंतकाई यानी कि अभिलाष के, के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्र जिन्होंने नलमुद्दू बाब का रोल प्ले किया हुआ है रघु बाबू जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा प्रभा श्रीनू जो आपको बलिया के रोल में दिखाई देंगे शत्रु जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पाजी अम्बारी सा दरबा जो श्रीदेवी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं ब्रह्मानंदम नितिन सुकुमार इनका एक गेस्ट अपीरियंस केम्यू अपीरियंस देखने को मिलेगा डिम्पल हयाती जरा जरा सॉन्ग में आइटम नंबर दिखाती हुई नजर आएंगी अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएंगी तो इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने निभाया हुआ था स्टोरी की बात करें तो अभिलाष यानी कि अथरवा एक अपकमिंग डायरेक्टर है जो एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं विथ एनी कॉस्ट और इसके लिए वो डिसाइड करते वो एक क्रिमिनल बेस्ड फिल्म बनाएंगे और उसके लिए एक कहानी के सर रिसर्च में निकल पड़ते हैं और उनका सामना होता है गड्डल कोंडा गणेश यानी कि वरुण तेज से जो एक ब्रूटल क्रिमिनल है और उनकी बारे में जानने के बाद वो फिक्स करते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे उनके नज़दीक जाकर उनके बारे में जानेंगे और साथ ही में कहानी के ऊपर पूरी डिटेलिंग लेंगे और इस फिल्म को वो डिर करेंगे लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सभी चीज़ें वो गड्डल कोंडा गणेश के सामने रिवील करता है गन गड्डल कोंडा गणेश इस फिल्म के बनाने के लिए राजी तो हो जाते अपनी फिल्म अपनी लाइफ की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राजी तो हो जाते लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे गणेश डिमांड करता है कि वो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करेगा तो अब बाकी की कहानी यही है कि अभिलाष किस तरह से इस डेडली गैंगस्टर को हैंडल करता है फिल्म को किस तरह से फिनिश करता है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी बनाई गई है इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कार्तिक सुब्बाराज सॉरी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हरीश शंकर जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्टर्स को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से वरुण तेज के किरदार को उन्होंने शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी सुपर मैनर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ था फिल्म में एक गैंगस्टर का लुक उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस उनके पास बेहतरीन वे में निकलवाई हुई थी उनकी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज में उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी साथ ही में फिल्म में कुछ बेसिक इमोशंस की थोड़ी बहुत आपको कमी नज़र आएंगी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थोड़ा वीक नजर आएगा फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंथी नजर आएगा थोड़ी जगह पर हरी शंकर आपकी आपको अपनी ग्रिप लूज होते हुए नजर आएंगे प्रोसेडिंग के टाइम सेकंड हाफ में लेकिन बाकी जो एक अच्छा एलिमेंट होना चाहिए गुड मास एलिमेंट फनी एलिमेंट वो सभी चीजें वो भरपूर तरह एड करते हुए नज़र आते हैं इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वरुण तेज को एक मेक किया हुआ था उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉफ्ट गाय से एक हार्ड क्रिमिनल के रूप में वो बेहतरीन था उसी वजह से फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग नजर आती है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे वीटी टी डायलॉग सुनने को मिलते कुछ कॉमेडी पंचीज थे वन लाइनर्स थे उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था हरीश शंकर ने ओवरऑल वरुण के किरदार को अच्छी तरह से लिखा हुआ था उनकी डायलॉग डिलीवरी सुपर थी उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग थी अथरवा मुरली जो आपको एक डिसेंट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने मिकी जे मेयर के उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है एक डायरेक्टर अपकमिंग डायरेक्टर के रोल में उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट करने में कामयाब रहे अपने परफॉर्मेंस के साथ वो फिल्म में एक अलग इंपेक्ट छोड़ते हुए नजर आते हैं मिकी जे मेयर जिनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी टॉप नॉच वाला था उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म को सपोर्ट का हो ऐसा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था फिल्म का जो माहौल है जो जोनर है उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट हुआ था जो फिल्म को एक अलग लेवल पे एलिवेट करने में में कामयाब हो रहा था इस फिल्म में कॉमेडियन सत्या आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपना रोल काफी हिलेरियस वे में निभाया हुआ है उन्होंने जिस तरह से अपने कॉमेडी को डिलीवर किया हुआ है वो पंचिस आपको ज़रूर पसंद आएंगे ब्रह्मा जी जो टीचर के रोल में काफी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नजर आते हैं उन्होंने क्रूसल पॉइंट पर अपना काम दिखाया हुआ है वो काफी बढ़िया है फिल्म के क्रूसल पॉइंट पर उनका रोल आता है और वो सभी चीजें आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है उन्होंने जितने भी वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए अपने कॉमिक पंचिस को कॉमिक टाइमिंग जिस तरह से डिलीवर किए हुए वो काफी बढ़िया थी वो फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स देने में कामयाब रहती है वहां पर आप जरूर हंस पड़ोगे पूजा हेगड़े फिल्म में काफी बढ़िया नजर आ रही थी दिखने में काफी गोर्ज और सिंपल नजर आ रही थी वो श्रीदेवी का रोल प्ले कर रही है फिल्म में उनका रोल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपना जो वक्त है वो एड किया हुआ था अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने अपना टैलेंट जरूर दिखाया हुआ था हाँ उनका एक गेस्ट रोल बोल सकते हैं रोल छोटा था लेकिन जितना भी काम था उसमें वो काफी बढ़िया नजर आ रही थी सुप्रिया पाठक जो काफी बढ़िया तरीके से अपने माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आती है राजा रवि को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने अच्छे रोल के साथ वो एक नीट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते फर्स्ट हाफ को बढ़िया तरीके से स्टेब्लिश किया हुआ था डायरेक्टर ने जहां पे वरुण के किरदार को अच्छी तरह से एक के तौर पे हमारे सामने पेश किया हुआ था वहां पे बढ़िया मसाला एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में उन सभी सीक्वेंस के साथ अच्छी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है इस फिल्म को तेलुगु वर्ज़न के हिसाब से तमिल वर्जन से थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए नज़र आएंगे जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीक्वेंस, से कुछ चीज़ें जो फिल्म को अलग करी हुई, जो तेलुगु नेटिविटी है उस हिसाब से चेंज किया हुआ है लेकिन वो सभी चीज़ें अच्छे वे में जाती है इस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़रूर बड़ी है जहाँ पे हरी शंकर फिल्म को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करते हैं लेकिन उसको स्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम ले लेते इसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें हैं उसकी प्रोसेडिंग बढ़िया नहीं थी इमोशंस की कमी थी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर क्लाइमेक्स में जिस तरह से एड की हुई थी वो फोर्सफुल एड की हो ऐसा नज़र आ रहा था पूजा हेगड़े का जो ट्रैक है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सीन्स थे लेकिन उन सभी चीज़ों की जरूरत नहीं थी ऐसा नज़र आ रहा था उसे आसानी से क्रिस्प किया जा सकता था अत्थरवर वरुण तेज के बीच में जो कन्फ्रट्रेशन वाले सीन थे उस उसको और एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया जा सकता था तो ये कुछ एक दो तो चीज़ें उसको सुधारा जा सकता था ओवरऑल फिल्म में जो मास एलिमेंट है वरुण तेज का जो मेक ओवर है जो फिल्म की स्टोरी लाइन है जो ब्लैक जो इंटरवल ब्लॉक है जो कॉमेडी सिक्वेंस है इन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है तो गड्डल कोंडा गणेश फिल्म एक अच्छी मास ड्रामा फिल्म है जहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको मास एलिमेंट्स के मास एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रोसेडिंग देखने को मिलती है जो परफॉर्मेंसिस है वो शानदार देखने को मिलती है जिस तरह से ये जो कैरेक्टर बनाए हुए हैं वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिलते हैं इसके अलावा एडिटिंग को थोड़ा कट कम किया जा सकता था फिल्म को पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी फिल्म के लिरिक्स अच्छे थे डायलॉग्स बढ़िया थे साथ ही में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी टॉप नोच की थी जिस वजह से स्क्रीन में हर हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सके देखा जा सकता है अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन जरूर फुलफिल हो जाएगी इसको अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है रीमेक ज़रूर है लेकिन एक अच्छा रीमेक है जिसे जरूर देख सकते हो तो इस फिल्म को अगर आप तेलुगु वर्जन में देखना चाहते हो तो गड्डलकोंडा गणेश के नाम से इसको ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल करवाया हुआ है जहां पर इस फिल्म को आप जरूर इंजॉय कर पाओगे गड्डलोंडा गणेश के नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने उनकी वेबसाइट पे इस फिल्म को इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पे आपको वालों ने ही खरीदा हुआ है और वो जिगर थंडा फिल्म भी तमिल वर्जन में अवेलेबल की हुई हैंग्लिश सब टाइटल वो फिल्म भी आप इंजॉय कर पाओगे तो गड्डलकोंडा गणेश और जिगर थंडा दोनों तमिल और वर्जन आपको डिजनी प्लस हॉटस्टारे विध इंग्लिश सब टाइटल बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे जहां पर अब बात करें हिंदी डब वर्जन की तो फिल्म को पहले तो वाल्मीकि के नाम से डब करके रिलीज करने वाले थे लेकिन अब नाम फिर से चेंज हो चुका है जिसको ओरिजिनल नाम दे दिया गया है गड्डलकोंडा गणेश अब गोल वालों ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं और उन्होंने ही इस फिल्म के सेटेलाइट राइड्स सेटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको पहले सेटेलाइट चैनल ढिन्चाक पे देखने को मिलेगी जहाँ पे फिल्म का जो पहला वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर है वो है छः मार्च रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिंचाक टेलीविज़न चैनल पे सेम नाम के साथ एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डलकोंडा गणेश का पहला हिंदी डब वर्जन टेलीविजन प्रीमियर छः मार्च 2022 रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिन्चाक चैनल पे देखने को मिलेगा और उसके बाद इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर ज़रूर होगा लेकिन अभी नहीं होगा इस फिल्म का यूट्यूब सी प्रीमियर करीबन काफ़ी समय के बाद क्योंकि ढिंचाक प्रीमियर होने वाली फ़िल्म में गोलमाइंस वाले तुरंत उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं करवाते हैं लेकिन जब कभी भी इस फिल्म का ऑफिशियल यूट्यूब प्रीमियर होगा तो वो गोलमस के ही चैनल पर करवाया जाएगा जहाँ पे ये फिल्म आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे इसके अलावा सैटेलाइट चैनल ढिंचा के ऊपर इस फिल्म को बारी बारी से प्रीमियर करवाने ही वाले जहाँ पे इस फिल्म को आप ज़रूर एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से सभी वर्जन यानी कि तमिल तेलगू हिंदी डब और साथ ही में हिंदी वर्जन जो बच्चन पांडे नाम से 18 मार्च को आ रहा है इन सभी तरह इस जिस तरह से मैंने बताया उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकोगे गड्डल कोंडा गणेश जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी इस फिल्म को पहले नाम दिया गया था वाल्मीकि लेकिन कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज़ के चलते फिर से बाद में गड्डल कोंडा गणेश नाम देकर फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था सेम सिचुएशन हिंदी वर्जन में भी आई हुई थी जहाँ पर गड्डल कोंडा गणेश के नाम से इस फिल्म को जब तेलुगु में रिलीज़ किया गया उसके बाद हिंदी डब वर्जन के राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग वाल्मीकि के नाम से कंप्लीट करवाई हुई थी और ये फिल्म वो जल्दी वाल्मीकि के नाम से उनके टेलीविजन चैनल ढिंचाक पे प्रीमियर करवाने वाले थे जहां पे 6 मार्च 2022 को रात को आठ बजे के टाइम पे वो ढींचाक टेलीविज़न चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले थे और जहाँ पे उस फिल्म का नाम रखा गया था वाल्मीकि लेकिन हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि के नाम से थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिस वजह से फिल्म को फिर से सेंसर करवा के गड्डल कोंडा रेश के नाम से अब टेलीविजन पर प्रीमियर करवाने वाले जहाँ पर टेलीविज़न प्रीमियर डेट सेम है यानी कि ये फिल्म आपको ढिंचाक टेलीविजन चैनल पर रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे छः मार्च को देखने को मिलेगी गड्डलकोंडा गणेश के नाम से सिर्फ नाम चेंज हुआ है बाकी पूरा कंटेंट सेम है तो यह फिल्म आपको गड्डल कोंडा गणेश के नाम से छह मार्च को रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिंचाक चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी जिसकी वजह से अब इस फिल्म का जो नाम चेंज हुआ है तो कुछ डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको जरूर मिलेंगे गड्डल कोंडा गणेश फिल्म को तेलुगु वर्जन में एक एक्शन कॉमेडी के तौर पे रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था हरीश संकर ने स्क्रीन प्ले था वो मधु श्रीनिवास और मिथुन चेतन ने क्रिएट किया हुआ था जहां पे गड्डलकोंडा गणेश फिल्म 2014 की तमिल लैंग्वेज तमिल ठंडा का ऑफिशियल रीमेक वर्जन है इस फिल्म का एक और रीमेक वर्जन है जिसको नाम दिया हुआ है बच्चन पांडे जिसको अक्षय कुमार और कृति सेनन के साथ बनाया गया है हिंदी वर्जन में जो 18 मार्च से थिएटर में लगने वाली है तो इस तरह से इससे पहले इस फिल्म का जो तेलुगु रीमेक है उसके हिंदी राइट्स खरीद कर डब करवाकर गोलबाइंस वाले इस फिल्म को छह मार्च को रात को आठ बजे के टाइम पे ढिंचा टेलीविजन चैनल पर प्रीमियर करवा देंगे जिस वजह से इस फिल्म की अच्छी खासी कंपटीशन होगी अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे से बच्चन पांडे को थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हिंदी में पहले आ जाएगी क्योंकि गडल कोंडा गणेश में चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं जगत ठंडा के मुकाबले लेकिन वो तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए जिस तरह से हिंदी वर्जन में भी बॉलीवुड की रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो करके देने वाले फिल्म में तो सेम वे में ऐसा किया हुआ है लेकिन जो बेसिक कोर पॉइंट है वो सेम है जिस वजह से गडल कोंडा गणेश अगर आप फिल्म देख लेते हो तो बच्चन पांडे देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा अब बात करें जिगर थंडा की तो वो 2014 की फिल्म थी तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी लेकिन वो फिल्म भी कोई प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है ये डर्टी कार्निवल करके एक साउथ कोरियन फिल्म थी जो 2006 में रिलीज की गई थी उस फिल्म से इस फिल्म का इंस्पिरेशन है यानी कि जो साउथ कोरियन फिल्म है अ डर्टी कार्निवल उससे इंस्पायर्ड होकर जिगर थंडा बनाई गई है हाँ जिगर थंडा में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जो तमिल नेटिविटी है उसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए अब बात कर लेते हैं गणेश के बारे में जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है वो है राज राम और गोपी जिन्होंने इस फिल्म को फोर्टीन नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था जहां पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए एंग्स का बोस ने एडिटिंग किए हुए छोटा के प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ मिकी जे मेयर ने और इस फिल्म को 20 सितंबर 2019 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे 25 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने बयालीस करोड़ और पाँच पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया होता जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जिसको करीबन एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक एक्शन थ्रिलर जोनर को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और इस फिल्म को आईएमडीबी पे 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था और आई पे करीबन 1100 सौ वोट किए गए थे तो इस तरह से इस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहां पे वाल्मीकि के नाम से चेंज कर कर इस फिल्म को गड्डला कोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट के चलते फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा था उसके बावजूद फिल्म अच्छा खासा एक मार्केट ले गई और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया था तो इस तरह से फिल्म को बनाकर रिलीज किया गया था जहां पे 20 सितंबर 2019 को फिल्म को काफी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला था कास्टिंग की तो ब्रह्मा जी प्रदीप सरस्वती देवी प्रसाद सुब्ब अन्नपूर्णा तनिकेला भरानी सत्या राज रविंद्रन रघुबाबू प्रभा श्रीनु शत्रु अंबारीसा दरभा ब्रह्मानंदम का एक नितिन सुकुमार इनका भी केम्योअपियस है साथ ही में डिम्पल हयाती का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जरा जरा सॉन्ग में तो ये बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट में काम करते हुए नजर आएंगे तो इतने एक्टर्स है जिन्होंने फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाए हुए अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेलिंग दूंगा प्रोडक्शन के ऊपर की बात करें तो 26 जनवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था दिल राजूस्व कुमार को बुलाया गया था लॉन्च इवेंट पे और इसका लॉन्च इवेंट करा गया था रामा नायडू फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में जहाँ पे अथरवा जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था मार्च दो में बाद में फिल्म में थोड़े बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ पूजा हेगड़े को कन्फर्म किया गया जिनको जुलाई में कन्फर्म किया गया था जुलाई में उन्होंने सेट ज्वाइन किया हुआ था मिकी जे मेयर जो इस फिल्म का म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे आपको इससे पहले इस फिल्म का म्यूजिक का कमान दिया गया था देवीश्री प्रसाद लेकिन इनिशियल अनाउंस के तौर पर इनका नाम लिया गया था लेकिन बाद में मिकी जे मेयर को लाया गया था क्योंकि देवीश्री प्रसाद के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे जिस वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दे पाए थे जिस वजह से जो डेट इश्यू थे उसके चलते मिकी जे मेयर के पास इस फिल्म का म्यूजिक चला गया था अब इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बात करें तो फिल्म में टोटल चार गानों को कंपोज किया गया है जिसकी लेंथ है तेरह मिनट दस सेकंड और इसको लेबल किया गया है सोनी म्यूज़िक और सारे गा के नीचे जहाँ पे सारे वालों ने इल्लू वच्ची गोदरम्मा वाला गाना है वो लेबल किया हुआ है बाकी तीन गाने हैं वो सोनी म्यूजिक के पास है अब इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में और इन दो लेबल्स के नीचे इन चार गानों को रिलीज़ किया गया था जिसमें जिसमें से तीन गाने सोनी म्यूजिक के पास है और एक गाने सारे गमा पा के सारे गमा पा के पास है और इसको 5 सितंबर 2019 में रिलीज किया गया था जहाँ पे पहला गाना जर्रा जर्रा, जर्रा जिसमें टिम्पल हयाती का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है उसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भारती रवि कुमार जिसके सिंगर है अनुराग कुलकर्णी और उमा नेहा इस गाने की लेंथ है तीन मिनट एक सेकंड दूसरा गाना गगन्ना विधिलो जिसके लिरिक्स लिखे हुए ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी और श्वेता सुब्रमण्यम और इसके गाने की लेंथ है तीन मिनट पंद्रह सेकंड तीसरा गाना वक्का वक्का जिसके लिरिक्स लिखे हुए है चंद्र बोस और सिंगर है अनुराग कुलकर्णी मिकी जे मेयर गाने की लेंथ थी तीन मिनट सत्ताईस सेकंड चौथा गाना इलू वच्ची गोदरम्मा इस गाने को डिस्ट्रीब्यूट सॉरी इस गाने को लेबल किया हुआ है सारे गमा ने इसका एक रीज़न है ये ओरिजिनल गाना नहीं है वच्ची करके एक गाना आया हुआ था उन्नीस में देवता फिल्म से जो तेलुगु वर्जन की फ़िल्म थी तो उस फिल्म का वो गाना था उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके बनाया गया था जिस वजह से इसका लेबल है सारे गमा और इसको कंपोज किया हुआ था मिकी जे मेयर ने और लिरिक्स है वो लिखे हुए वेट्टूरी सुंदरम्मा मूर्ति ने सिंगर की बात करें तो एसपी पी बाला सुब्रमण्यम और पी सुशीला इन दोनों ने मिलकर इल्लूवच्ची गदरम्मा गाने को गाया हुआ था जिसकी लेंथ थी तीन मिनट सत्ताईस सेकंड तो इस तरह से चार गानों की जो टोटल लेंथ निकल के आई हुई है वो है तेरह मिनट दस सेकंड तो इस तरह से फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक को रिलीज किया गया था पाँच सितंबर 2019 को तो इस साउंड ट्रैक के ऊपर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज के ऊपर तो वाल्मीकि नाम से इस फिल्म को अनाउंस किया गया था कुछ दिनों के बाद फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस नाम को लेकर क्योंकि वाल्मीकि के नाम से एक संत आए हुए थे तो उनको एक नेगेटिव सेड में फिल्म में दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है उनके नाम को यूज़ करना थोड़ा आ, लोगों में खटक रहा था जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग एक केस दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश में अं... अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी प्रोटेस्ट किया गया था इस फिल्म के रग रिगार्डिंग क्योंकि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था जिस वजह से इस फिल्म ने के जो कम्यूनिटी उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के ऊपर अटैक करवाया हुआ था और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग भी आधे में रोक दी गई थी तो इतना कुछ होने के बाद फिल्म के जो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए फ़िल्म का नाम चेंज करना पड़ा जिसको नाम दिया गया बाद में गड्डल कोंडा गणेश और जब रिलीज़ के बारी आई तब फिल्म को नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया जहाँ पे सितंबर 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीसन डाली गई थी जहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना कोर्ट में इसकी पटिशन के थ्रू वाल्मीकि से इस फिल्म को नाम दिया गया गड्डल कोंडा गणेश जिस वजह से फिल्म के रिलीज़ के छः घंटे पहले इस फिल्म का नाम गड्डल कोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था चेंज किया गया था जिस वजह से इस फिल्म को वाल्मीकि की जगह गटलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था मार्केटिंग रिलीज की बात करें तो जून 2019 में 14 रिल्स प्लस रन के द्वारा इस फिल्म का फ्री टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया था 15 अगस्त 2019 को टीम के थ्रू इस फिल्म का टीज़र रिलीज किया गया था और उसके बाद में प्रमोटिंग सिंग फिल्म के जो सिंगल्स थे एल्बम में से एक के बाद एक प्रमोट के लिए रिलीज़ किए गए थे फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसको फोर्टीन रिल प्लस के यूट्यूब चैनल पे अनवील किया गया था 9 सितंबर 2019 को फिल्म को शेड्यूल किया गया था 13 सितंबर 2019 को रिलीज करने के लिए लेकिन नानी स्टारर गैंग लीडर फिल्म थी उसके साथ ये फिल्म क्लेश हो रही थी जिस वजह से फिल्म को बाद में एक वीक पोस्टपोन करना पड़ा और उसके बाद फिल्म को बीस सेप्टेम्बर दो उन्नीस को फाइनली रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ रिलीज़ की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आसपास ग्रोस कलेक्शन करके दिखा दिया था इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए थे गोल्ड माइंस टेलीफिल्स ने जिन्होंने रिलीज़ के वक्त ही फिल्म के राइट्स ख़रीद लिए थे और बाद में फ़िल्म को उन्होंने डब करवा दिया और उसके बाद अब वो ढिंचा चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले जहाँ पे छः मार्च दो को रात को आठ बजे के टाइम पर रविवार के दिन इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि गड्डलकोंडा गणेश के ही नाम से रिलीज करने वाले इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि नाम दिया गया था लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया था तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे क्रिटिक्स ने वरुण तेज की परफॉर्मेंस काफ़ी सराहना की गई थी वो अभी तक एक चॉकलेट बॉय वाला किरदार प्ले करते तो हुए नज़र आ रहे थे सॉफ्ट बॉय का किरदार प्ले कर रहे थे अचानक एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था फिल्म में कुछ कॉमेडी थी जो लोगों को थोड़ी ज़्यादा फोर्स की हुई नजर आ रही थी जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक बढ़िया हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म ने जिस फिल्म का रीमेक किया हुआ है यानी कि जिगर थंडा उसके बारे में बात करें तो जिगर थंडा जिसका मीनिंग होता है कोल्ड हार्टेज जो 2014 की तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुबहराज ने यह फिल्म अर्डर टिकानेवल से इंस्पायर्ड है इस फिल्म का काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब वर्जन निकल चुका है और रीमेक वर्जन भी निकल चुका है जहाँ पर तेलुगु डब वर्जन दो में चिकड्डू दुकडू के नाम से रिलीज किया गया था साथ ही में कन्नड़ा में रीमेक किया गया था था, सेम टाइटल के साथ 2016 में उसके बाद 2019 में के नाम से गणेश के नाम से तेलुगु में रिलीज किया गया था उसी के साथ हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से 2022 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाली है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ कार्तिक सुबहराज ने स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले वो सभी चीजें भी उनकी थी प्रोड्यूसर का इस फिल्म को एस एम एस ग्रुप कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और एस एम एस पिक्चर और कल संगम फिल्म के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको सिद्धार्थ बोबी सिमा और लक्ष्मी मेनन देखने को मिले होंगे उनके अलावा करुणाकरण गुरु सोम सुंदरन आदू कलम नरेंदन सौंदर राजन रामचंद्र दुरैराज सेंथिल कुमारन गंग सांगली मुरुगन बाला सिंह थेनावल दिल्ली गणेश सुधा जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले होंगे इस फिल्म को डेवलप किया गया था 2013 में अनाउंस किया गया था उसके बाद में फिल्म को एक के बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी कास्टिंग भी तभी की गई थी और उसके बाद फिल्म की इक्कीस नवंबर दो तक प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी और उसके बाद में फ़िल्म को 2014 एंड तक कंप्लीट करवा लिया गया था और उसके बाद इस फिल्म में जो गाने को कंपोज किया गया था वो टोटल गाने थे नौ जहाँ पे नौ बैकग्राउंड स्कोर थे इसके अलावा पांच टोटल सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से हिट साबित हुआ था और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी सारा सराहना मिली थी रिलीज़ के बाद फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस दोनों की तरफ से खाली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद इस फिल्म को जब बाहर देश रिलीज़ किया गया वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था कुछ चीज़ों के चलते फिल्म ज़रूर डिले हुई थी रिलीज के वक्त लेकिन उसके बाद जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ़ माउथ आए जिस वजह से फिल्म लोगों को काफ़ी सारी पसंद आई थी जिगर हंडा फिल्म के जो तमिल सेटेलाइट राइट्स से है वो खरीदे हुए थे स्टार विजय ने यानी कि स्टार विजय के चैनल पर फिल्म आपको टेलीविजन पे तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी और इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो है डिजनी प्लस हॉट के पास जिन्होंने जिगर हंडा फिल्म को सेम नाम के साथ वहाँ पर अवेलेबल करवाया हुआ है विथ इंग्लिश सब और वो फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पर देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है इस फिल्म ने करीबन पच्चीस दिनों का जो वर्ल्डवाइड रन लिया था तब उस टाइम में छिया छियालीस करोड़ के आसपास 2014 में ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और एक 2014 की वन ऑफ़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी जिस वजह से जिगर ठंडा फिल्म एक अच्छी खासी क्लासिकल कल्ट क्लासिक फिल्म में शामिल हो गई थी जहां पे मीडियम स्टार कास्ट के साथ भी फिल्म अच्छा खासा वर्क कर गई थी जिगर ठंडा फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन राइट थे वो भी बेच दिए गए थे जिसको खरीदा हुआ था एशियन मीडिया ने फिल्म की डबिंग भी उन्होंने 2019 तक शायद कंप्लीट करवा ली थी एस पी एम यानी कि एशियन मीडिया जिन्होंने फिल्म को सेम नाम से सेंसर, सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदी डबर्स ने से, सेंसर सर्टिफिकेट भी करवा लिया था और ये फिल्म टेलीविजन प्रीमियर के लिए तैयार थी लेकिन तभी फिल्म के रिमेक राइट्स हिंदी में बेच दिए गए बच्चन पांडे के नाम से जो 2022 में आपको रीमेक देखने को मिल रहा है उसी की वजह से जिगत फिल्म की हिंदी डब वर्जन को रिलीज़ रोक दी गई थी बच्चन पांडे ने मेकर्स के बच्चन पांडे के मेकर्स ने जिगत के मेकर्स को इस फिल्म को डब वर्जन में रिलीज करने के लिए मना किया गया जिस वजह से एशियन मीडिया ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिल्म को पोस्टपोन पे रखा हुआ है अब जब बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ओ टी पे अवेलेबल हो जाएगी बाद में इस फिल्म को जिगत फिल्म को हिंदी डब वर्जन में टेलीविज़न और यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा लेकिन उसके अलावा जो गड्डलकोंडा गणेश से वो एक और रिमेक है वो गोलमाइंस वालों ने डब करवा के अब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिए जो आपको छः मार्च को रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे सेम नाम के साथ डिंगचा चैनल पर देखने को मिलेगी उसके बाद ज़रूर यूट्यूब चैनल पे वो फिल्म प्रीमियर नहीं करवाई जाएगी क्योंकि डिंचक पे होने वाली फिल्म में प्रीमियर होने वाले फिल्म में गोलमेस वाले तुरंत प्रीमियर नहीं करवाते हैं गड्डल कोंडा गणेश फिल्म के जो लीड एक्टर्स है जो कास्टिंग है उसमें कौन से कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया था उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ वरुण तेज जो गनी के रोल में दिखाई देते हैं जिसका पूरा नाम है गड्डल कोंडा गणेश अथरवा जिन जिन्होंने अभिलाष यानी कि अभिका का रोल प्ले किया हुआ है पूजा हेगड़े जो श्रीदेवी यानी कि देवी के रोल में दिखाई देती है मीनालिनी रवि जिन्होंने बुज्जम्मा का रोल प्ले किया हुआ है सुप्रिया पाठक जो गड्डलकोंडा गणेश की माँ के रोल में दिखाई देती है ब्रह्मा जी जिन्होंने मुनी मानिक्यम के एक एक्टिंग कोच का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप जो अभी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं सरस्वती जो अभी की माँ के रोल में दिखाई देती है देवी प्रसाद जिन्होंने अभी के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है सुब्ब राजू जिन्होंने प्रभाकर के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है अन्नपूर्णा जो गनी की सेब के रोल में दिखाई देते हैं दैनिकला भरानी जिन्होंने थिएटर ऑपरेटर का रोल प्ले किया हुआ है सत्य जिन्होंने चिंतकाई यानी कि अभिलाष के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्र जिन्होंने नलमुद्दू बाब का रोल प्ले किया हुआ है रघु बाबू जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा प्रभा श्रीनू जो आपको बलिया के रोल में दिखाई देंगे शत्रु जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पा जी अम्बारीसा दरबा जो श्रीदेवी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं ब्रह्मानंदम नितिन सुकुमार इनका एक गेस्ट अपीरेंस केम्यू अपीरेंस देखने को मिलेगा डिम्पल हयाती जरा जरा सॉन्ग में आइटम नंबर दिखाती हुई नज़र आएंगी अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आएंगी तो इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने निभाया हुआ था स्टोरी की बात करें तो अभिलाष यानी कि अथरवा एक अपी अपकमिंग डायरेक्टर है जो एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते है विथ एनी कॉस्ट और इसके लिए वो डिसाइड करते वो एक क्रिमिनल बेस्ड फिल्म बनाएंगे और उसके लिए एक कहानी के सर रिसर्च में निकल पड़ते है और उनका सामना होता है गड्डल कोंडा गणेश यानी कि वरुण तेज से जो एक ब्रूटल क्रिमिनल है और उनके बारे में जानने के बाद वो फिक्स करते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे उनके नज़दीक जाकर उनके बारे में जानेंगे और साथ ही कहानी के ऊपर पूरी डिटेलिंग लेंगे और इस फिल्म को वो करेंगे लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सभी चीजें वो गड्डलोंडा गणेश के सामने रिवील करता है गड्डलकोडा गणेश इस फिल्म के बनाने के लिए राजी तो हो जाते हैं अपनी फिल्म अपनी लाइफ की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राजी तो हो जाते लेकिन वहां पे एक ट्विस्ट आता है जहां पे गणेश डिमांड करता है कि वो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करेगा तो अब बाकी की कहानी यही है कि अभिलाष किस तरह से इस डेडली गैंगस्टर को हैंडल करता है फिल्म को किस तरह से फिनिश करता है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी बनाई गई है इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कार्तिक सुब्बाराज सॉरी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हरीश शंकर जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी एक्टर्स को यूज़ किया हुआ था जिस तरह से वरुण तेज के किरदार को उन्होंने सोखा किया हुआ है वो काफ़ी मैनर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ था फिल्म में एक गैंगस्टर का लुक उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस उनके पास बेहतरीन वे में निकलवाई हुई थी उनकी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज में उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी साथ ही में फिल्म में कुछ बेसिक इमोशंस की थोड़ी बहुत आपको कमी नज़र आएंगी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थोड़ा वीक नजर आएगा फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंथी नजर आएगा थोड़ी जगह हरीशंकर आपकी आपको अपनी ग्रिप लूज होते हुए नजर आएंगे प्रोसीडिंग के टाइम सेकंड हाफ़ में लेकिन बाकी जो एक अच्छा एलिमेंट होना चाहिए गुड मास एलिमेंट फनी एलिमेंट वो सभी चीज़ें वो भरपूर तरह एड करते हुए नज़र आते हैं इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वरुण तेज को एक मेक किया हुआ था उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉफ्ट गाय से एक हार्ड कोर क्रिमिनल के रूप में वो बेहतरीन था उसी वजह से फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग नज़र आती है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे वीटी टी डायलॉग सुनने को मिलते कुछ कॉमेडी पंचीज थे वन लाइनर्स थे उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था हरीश शंकर ने ओवरऑल वरुण के किरदार को अच्छी तरह से लिखा हुआ था उनकी डायलॉग डिलीवरी सुपर थी उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग थी अथरवा मुरली जो आपको एक डिसेंट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने मिकी जे मेयर के उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है एक डायरेक्टर अपकमिंग डायरेक्टर के रोल में उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे अपने परफॉर्मेंस के साथ वो फिल्म में एक अलग इम्पेक्ट छोड़ते हुए नज़र आते हैं मिकी जे मेयर जिनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी टॉप नॉच वाला था उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म को सपोर्ट का हो ऐसा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था फिल्म का जो माहौल है जो जोनर है उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट हुआ था जो फिल्म को एक अलग लेवल पर एलिवेट करने में कामयाब हो रहा था इस फिल्म में कॉमेडियन देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपना रोल काफी हिलेरियस वे में निभाया हुआ है उन्होंने जिस तरह से अपनी कॉमेडी को डिलीवर किया हुआ है सी सुपर पसंद आएंगे ब्रह्मा जी जो टीचर के रोल में काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आते हैं उन्होंने क्रूसल पॉइंट पे अपना काम दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म के क्रूसल पॉइंट पे उनका रोल आता है और वो सभी चीज़ें आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है उन्होंने जितने भी वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए अपने कॉमिक पंचिस को कॉमिक टाइमिंग जिस तरह से डिलीवर किए हुए वो काफ़ी बढ़िया थी वो फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स देने में कामयाब रहती है वहाँ पर आप जरूर हंस पड़ोगे पूजा हेगड़े फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी दिखने में काफ़ी गोजियस और सिंपल नज़र आ रही थी वो श्रीदेवी का रोल प्ले कर रही है फिल्म में उनका रोल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जो वक्त है वो एड किया हुआ था अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने अपना टैलेंट जरूर दिखाया हुआ था हाँ उनका एक गेस्ट रोल बोल सकते ते रोल छोटा था लेकिन जितना भी काम था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी सुप्रिया पाठक जो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आती है राजा रवि को एक अच्छा रोल मिला हुआ था अपने अच्छे रोल के साथ वो एक नीट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते फर्स्ट को बढ़िया तरीके से स्टेब्लिश किया हुआ था डायरेक्टर ने जहाँ पे वरुण के किरदार को अच्छी तरह से एक रेडेड क्रिमिनल के तौर पे हमारे सामने पेश किया हुआ था वहाँ पे बढ़िया मसाला एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में उन सभी सीक्वेंस के साथ अच्छी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है इस फिल्म को तेलुगु वर्जन के हिसाब से तमिल वर्जन से थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए नज़र आएंगे जहाँ पे कुछ कॉमेडी सीक्वेंस है कुछ, कुछ, कुछ चीज़ें जो फिल्म को अलग करी हुए जो तेलुगु नेटिविटी है उस हिसाब से चेंज किया हुआ है लेकिन वो सभी चीज़ें अच्छे वे में जाती है इस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़रूर बड़ी है जहाँ पे हरीश शंकर फिल्म को अच्छी तरह से इस्टबलिश करते हैं लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम ले लेते इसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें उसकी प्रोसेडिंग बढ़िया नहीं थी इमोशंस की कमी थी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से एड की हुई थी वो फोर्सफुल एड की हो ऐसा नज़र आ रहा था पूजा हेगड़े का जो ट्रेक है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सीन्स थे लेकिन उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी ऐसा नज़र आ रहा था उसे आसानी से क्रिस्प किया जा सकता था अत्थरव और वरुण तेज के बीच में जो कन्फ्रंट्रेशन वाले सीन थे उस उसको और एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया जा सकता था तो एक कुछ एक दो तो चीज़ें उसको सुधारा जा सकता था ओवरऑल फिल्म में जो मास एलिमेंट है वरुण तेज का जो मेक है जो फिल्म की स्टोरी लाइन है जो ब्लैक जो इंटरवल ब्लॉक है जो कॉमेडी सिक्वेंस है इन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है तो गड्डल कोंडा गणेश फिल्म एक अच्छी मास ड्रामा फिल्म है जहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको मास एलिमेंट्स मास एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रोसेडिंग देखने को मिलती है जो परफॉर्मेंसिस है वो शानदार देखने को मिलती है जिस तरह से ये जो कैरेक्टर बनाए हुए हैं वो, है वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिलते हैं इसके अलावा एडिटिंग को थोड़ा कट कम किया जा सकता था फिल्म को पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी थी फिल्म के लिरिक्स अच्छे थे डायलॉग्स बढ़िया थे साथ ही में जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी टॉप नोच की थी जिस वजह से स्क्रीन में हर हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी तो ये एक अच्छी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सके देखा जा सकता है अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन जरूर फुलफिल हो जाएगी इसको अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म रीमेक जरूर है लेकिन एक अच्छा रीमेक है जिसे जरूर देख सकते हो तो इस फिल्म को अगर आप तेलुगु वर्जन में देखना चाहते हो तो गड्डलकोंडा गणेश के नाम से इसको ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल करवाया हुआ है जहां पर इस फिल्म को आप जरूर इंजॉय कर पाओगे गड्डल

वर्जन आपको डिजनी प्लस पे विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे जहां पे आप बात करें हिंदी डब वर्जन की तो फिल्म को पहले तो वाल्मीकि के नाम से डब करके रिलीज करने वाले थे लेकिन अब नाम फिर से चेंज हो चुका है जिसको ओरिजिनल नाम दे दिया गया है गड्डलकोंडा गणेश अब गोल वालों ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं और उन्होंने ही इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स सेटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको पहले सेटेलाइट चैनल ढिंचाक पे देखने को मिलेगी जहाँ पर फिल्म का जो पहला वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर है वो है छः मार्च रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिचाक टेलीविज़न चैनल पर सेम नाम के साथ एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डलकोंडा व गणेश का पहला हिंदी डब वर्जन टेलीविजन प्रीमियर छः मार्च 2022 रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिचाक चैनल पे देखने को मिलेगा और उसके बाद इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर ज़रूर होगा लेकिन अभी नहीं होगा इस फिल्म का यूट्यूब सी प्रीमियर करीबन काफ़ी समय के बाद क्योंकि ढिंचाक प्रीमियर होने वाली फिल्म में गोलमइंस वाले तुरंत उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं करवाते हैं लेकिन जब कभी भी इस फिल्म का ऑफिशियल यूट्यूब प्रीमियर होगा तो वो गोलमस के ही चैनल पर करवाया जाएगा जहाँ पे ये फ़िल्म आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे इसके अलावा सैटेलाइट चैनल ढिंचा के ऊपर इस फिल्म को बारी बारी से प्रीमियर करवाने ही वाले जहाँ पे इस फिल्म को आप जरूर इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से सभी वर्जन यानी कि तमिल तेलुगु हिंदी डब और साथ ही में हिंदी वर्जन जो बच्चन पांडे नाम से 18 मार्च को आ रहा है इन सभी तरह इस जिस तरह से मैंने बताया उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकोगे गड्डल कोंडा गणेश जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी इस फिल्म को पहले नाम दिया गया था वाल्मीकि लेकिन कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज़ के चलते फिर से बाद में गड्डल कोंडा गणेश नाम देकर फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था सेम सिचुएशन हिंदी वर्जन में भी आई हुई थी जहाँ पे गड्डल कोंडा गणेश के नाम से इस फिल्म को जब तेलुगु में रिलीज़ किया गया उसके बाद हिंदी डब वर्जन के राइट सोल्ड आउट किए थे गोल माइंस टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म की डबिंग वाल्मीकि के नाम से कंप्लीट करवाई हुई थी और ये फिल्म वो जल्दी वाल्मीकि के नाम से उनके टेलीविजन चैनल पे प्रीमियर करवाने वाले थे जहाँ पे 6 मार्च 2022 को रात को आठ बजे के टाइम पे वो ढिनचा टेलीविज़न चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले थे और जहाँ पे उस फिल्म का नाम रखा गया था वाल्मीकि लेकिन हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि के नाम से थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिस वजह से फिल्म को फिर से सेंसर करवा के गड्डल कोंडा के नाम से अब टेलीविजन पर प्रीमियर करवाने वाले जहाँ पे टेलीविजन प्रीमियर डेट सेम है यानी कि ये फिल्म आपको ढींचा टेलीविज़न चैनल पे रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे 6 मार्च को देखने को मिलेगी गड्डल कोंडा गणेश के नाम से सिर्फ नाम चेंज हुआ है बाकी पूरा कंटेंट सेम है तो ये फिल्म आपको गड्डल कोंडा गणेश के नाम से 6 मार्च को रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पर ढींचा चैनल पर हिंदी डब में देखने को मिलेगी जिसकी वजह से अब इस फिल्म का जो नाम चेंज हुआ है तो कुछ डायलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को आपको जरूर मिलेंगे गड्डल कोंडा गणेश को तेलुगु वर्जन में एक एक्शन कॉमेडी के तौर पे रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म को लिखा हुआ डिरेक्ट किया था हरीश शंकर ने स्क्रीन प्ले था मधु श्रीनिवास और मिथुन चैतन्य ने क्रिएट किया हुआ था जहां पे गड्डलकोंडा गणेश फिल्म 2014 जिगर हजार का की तमिल वर्जन से में लगने वाली है तो इस तरह से इससे पहले इस फिल्म का जो तेलुगु रिमेक है उसके हिंदी राइट्स खरीद कर डब करवाकर गोलमाइंस वाले इस फिल्म को छह मार्च को रात को आठ बजे टेलीविजन चैनल पर प्रीमियर करवा देंगे जिस वजह से इस फिल्म की अच्छी खास कंपटीशन होगी अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे से बच्चन पांडे को थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हिंदी में पहले आ जाएगी क्योंकि गडल कोंडा गणेश में चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं जिगत ठंडा के मुकाबले लेकिन वो तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए हैं जिस तरह से हिंदी वर्जन में भी बॉलीवुड की रिगार्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो करके देने वाले फिल्म में तो सेम वे में ऐसा किया हुआ है लेकिन जो बेसिक कोर पॉइंट है वो सेम है जिस वजह से गडल कोंडा गणेश अगर आप फिल्म देख लेते हो तो बच्चन पांडे देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा अब बात करें जिगर थंडा की तो वो 2014 की फिल्म थी तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म थी लेकिन वो फिल्म भी कोई प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है ये डर्टी कार्निवल करके एक साउथ कोरियन फिल्म थी जो 2006 में रिलीज की गई थी उस फिल्म से इस फिल्म का इंस्पिरेशन है यानी कि जो साउथ कोरियन फिल्म है अ डर्टी कार्निवल उससे इंस्पायर्ड होकर जिगर थंडा बनाई गई है हाँ जिगर थंडा में काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जो तमिल नेटिविटी है उसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए अब बात कर लेते हैं लकोंडा गणेश के बारे में जहाँ पे इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है वो है राज राम अटंट अचंटा और गोपी अचंटा जिन्होंने इस फिल्म को फोर्टीन रील्स प्लस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है इस फिल्म को करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था जहां पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए का बोस ने एडिटिंग किए हुए छोटा के प्रसाद ने म्यूजिक दिया हुआ मिकी जे मेयर ने और इस फिल्म को 20 सितंबर 2019 को थिएटर में रिलीज किया गया था जहां पे 25 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने बयालीस करोड़ और पाँच पचास लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया होता जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जिसको करीबन एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक्शन थ्रिलर जोनर को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था और इस फिल्म को आईएमडीबी पे 6.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था और आईएमडीबी पे करीबन 1100 वोट किए गए थे तो इस तरह से इस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहां पे वाल्मीकि के नाम से चेंज कर कर इस फिल्म को गड्डाला कोंडा गणेश के नाम से रिलीज किया गया था कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट के चलते फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा था उसके बावजूद फिल्म अच्छा खासा एक मार्केट ले गई और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया था तो इस तरह से फिल्म को बनाकर रिलीज किया गया था जहां पे 20 सितंबर 2019 को फिल्म को काफी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला था कास्टिंग की बात करें तो वरुण तेज अथर्व पूजा हेगड़े मिर्नालिनी रवि सुप्रिया पाठक लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रह्मा जी प्रदीप सरस्वती देवी प्रसाद सुब्ब राजू अन्नपूर्णा तनिकेला भरानी सत्या राज रविंद्रन रघु बाबू प्रभा श्रीनु शत्रु अपाजी अंबारीसा दरभा ब्रह्मानंदम का एक केम्योपीरेंस है नितिन सुकुमार इनका भी केम्यो अपरस है साथ ही में डिम्पल हयाती का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा जरा जरा सॉन्ग में तो ये बाकी के सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट में काम करते हुए नजर आएंगे तो इतने एक्टर्स है जिन्होंने फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाए हुए हैं अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेलिंग दूंगा प्रोडक्शन के ऊपर की बात करें तो 26 जनवरी 2019 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था दिल राजस्व कुमार को बुलाया गया था लॉन्च इवेंट पे और इसका लॉन्च इवेंट करा गया था रामा नायडू फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया था फरवरी 2019 में जहां पे अथरवा जो फिल्म के सेकंड लीड एक्टर है उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया हुआ था मार्च दो में बाद में फिल्म में थोड़े बहुत इन्वॉलमेंट के साथ पूजा हेगड़े को कन्फर्म किया गया जिनको जुलाई में कन्फर्म किया गया था और जुलाई में उन्होंने सेड ज्वाइन किया हुआ था मिकी जे मेयर जो इस फिल्म का म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे आपको इससे पहले इस फिल्म का म्यूजिक का कमान दिया गया था देवीश्री प्रसाद लेकिन इनिशियल अनाउंस के तौर पर इनका नाम लिया गया था लेकिन बाद में मिकी जे मेयर को लाया गया था क्योंकि देवीश्री प्रसाद के पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट थे जिस वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दे पाए थे जिस वजह से जो डेट इश्यू थे उसके चलते मिकी जे मेयर के पास इस फिल्म का म्यूजिक चला गया था अब इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बात करें तो फिल्म में टोटल चार गानों को कंपोज किया गया है जिसकी लेंथ है तेरह मिनट दस सेकंड और इसको लेबल किया गया है सोनी म्यूजिक और सारे गा पा के नीचे जहाँ पे सारे गमा वालों ने इल्लू वच्ची गोदरम्मा वाला गाना है वो लेबल किया हुआ है बाकी तीन गाने हैं वो सोनी म्यूजिक के पास है अब इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में और इन दो लेबल्स के नीचे इन चार गानों को रिलीज़ किया गया था जिसमें जिसमें से तीन गाने सोनी म्यूजिक के पास है और एक गाने सारे गमा पास के सारे गमा पा के पास है और इसको 5 सितंबर 2019 में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे पहला गाना जर्रा जर्रा, जर्रा जिसमें टिम्पल हयाती का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है उसके लिरिक्स लिखे हुए भास्कर भारती रवि कुमार जिसके सिंगर है अनुराग कुलकर्णी और उमास नेहा इस गाने की लेंथ है तीन मिनट एक सेकंड दूसरा गाना गगन्ना विधिलो जिसके लिरिक्स लिखे हुए ने सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी और श्वेता सुब्रमण्यम और इसके गाने की लेंथ है तीन मिनट पंद्रह सेकंड तीसरा गाना वक्का वक्का जिसके लिरिक्स लिखे हुए है चंद्र बोस और सिंगर है अनुराग कुलकर्णी मिकी जे मेयर गाने की लेंथ थी तीन मिनट सत्ताईस सेकंड चौथा गाना इलू वच्ची गोदरम्मा इस गाने को डिस्ट्रीब्यूट सॉरी इस गाने को लेबल किया हुआ सारे गमा ने इसका एक रीज़न है ये ओरिजिनल गाना नहीं है वच्ची करके एक गाना आया हुआ था उन्नीस में देवता फिल्म से जो तेलुगु वर्जन की फिल्म थी तो उस फिल्म का वो गाना था उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके बनाया गया था जिस वजह से इसका लेबल है सारे गमा और इसको कंपोज किया हुआ था मिकी जे मेयर ने और लिरिक्स है वो लिखे हुए वेट्टूरी सुंदरम्मा मूर्ति ने सिंगर की बात करें तो एसपी पी बाला सुब्रमण्यम और पी सुशीला इन दोनों ने मिलकर इलुवच्ची गजरम्मा गाने को गाया हुआ था जिसकी लेंथ थी तीन मिनट सत्ताईस सेकंड तो इस तरह से चार गानों की जो टोटल लेंथ निकल के आई हुई है वो है तेरह मिनट दस सेकंड तो इस तरह से फुल फीचर फिल्म साउंड ट्रैक को रिलीज किया गया था पाँच सितंबर 2019 को तो इस साउंड ट्रैक के ऊपर मैंने आपको डिटेलिंग दे दी है अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज़ के ऊपर तो वाल्मीकि नाम से इस फिल्म को अनाउंस किया गया था कुछ दिनों के बाद फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इस नाम को लेकर क्योंकि वाल्मीकि के नाम से एक संत आए हुए थे तो उनको एक नेगेटिव सेड में फिल्म में दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है उनके नाम को यूज़ करना थोड़ा लोगों में खटक रहा था जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग एक केस दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश में अं... अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी प्रोटेस्ट किया गया था इस फिल्म के रिगार्डिंग क्योंकि पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था जिस वजह से इस फिल्म ने के जो कम्यूनिटी उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के ऊपर अटैक करवाया हुआ था और उसके बाद में फिल्म की शूटिंग भी आधे में रोक दी गई थी तो इतना कुछ होने के बाद फिल्म के जो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए फिल्म का नाम चेंज करना पड़ा जिसको नाम दिया गया बाद में गड्डल कोंडा गणेश और जब रिलीज़ के बारी आई तब फिल्म को नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया जहाँ पे सितंबर 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट में पेटीशन डाली गई थी जहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना कोर्ट में इसकी पटिशन के थ्रू वाल्मीकि से इस फिल्म को नाम दिया गया गड्डल कोंडा गणेश जिस वजह से फिल्म के रिलीज के छः घंटे पहले इस फिल्म का नाम गड्डल कोंडा गणेश के नाम से रिलीज किया गया था चेंज किया गया था जिस वजह से इस फिल्म को वाल्मीकि की जगह गड्डलकोंडा गणेश के नाम से रिलीज़ किया गया था मार्केटिंग रिलीज की बात करें तो जून 2019 में 14 रिल्स प्लस रन के द्वारा इस फिल्म का फ्री टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया गया था 15 अगस्त 2019 को टीम के थ्रू इस फिल्म का टीज़र रिलीज किया गया था और उसके बाद में प्रमोटिंग सिंग फिल्म के जो सिंगल्स थे एल्बम में से एक के बाद एक प्रोमोट के लिए रिलीज़ किए गए थे फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसको फोर्टीन ट्रिल प्लस के यूट्यूब चैनल पर अनविल किया गया था नौ सेप्टेम्बर दो को फिल्म को शेड्यूल किया गया था तेरह सेप्टेम्बर दो को रिलीज करने के लिए लेकिन नानी स्टार और गैंग लीडर फिल्म थी उसके साथ ये फिल्म क्लेश हो रही थी जिस वजह से फिल्म को बाद में एक वीक पोस्टपोन करना पड़ा और उसके बाद फिल्म को 20 सितंबर दो उन्नीस को फाइनली रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म करीबन 25 करोड़ के बजट के साथ रिलीज की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ के आसपास ग्रोस कलेक्शन करके दिखा दिया था इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन राइट ओल्ड आउट किए हुए थे गोल माइनस टेलीफिल्म ने जिन्होंने रिलीज़ के वक्त ही फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे और बाद में फिल्म को उन्होंने डब करवा दिया और उसके बाद अब वो ढिंचाक चैनल पर इस फिल्म को प्रीमियर करवाने वाले जहाँ पे छः मार्च दो को रात को आठ बजे के टाइम पे रही War के दिन इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि गड्डलोंडा गणेश के नाम से रिलीज करने वाले इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन में भी वाल्मीकि नाम दिया गया था लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जहां पे क्रिटिक्स ने वरुण तेज की परफॉर्मेंस काफी सराहना की गई थी वो अभी तक एक चॉकलेट बॉय वाला किरदार प्ले करते तो हुए नजर आ रहे थे सॉफ्ट बॉय का किरदार प्ले कर रहे थे अचानक एक गैंगस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन वाला रोल देखने को मिला वो काफ़ी ज्यादा लोगों को पसंद आया था फिल्म में कुछ कॉमेडी थी जो लोगों को थोड़ी ज्यादा फोर्स किए हुई नजर आ रही थी जिस वजह से इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक बढ़िया हिट का टैग ले गई थी इस फिल्म ने जिस फिल्म का रीमेक किया हुआ है यानी कि जिगर थंडा उसके बारे में बात करें तो जिगर थंडा जिसका मीनिंग होता है कोल्ड हार्टेज जो 2014 की तमिल लैंग्वेज एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है कार्तिक सुबहराज ने यह फिल्म अर्डर टिकानेवल से इंस्पायर्ड है इस फिल्म का काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब वर्जन निकल चुका है और रीमेक वर्जन भी निकल चुका है जहाँ पे तेलुगु डब वर्ज़न दो में चिकड्डू दुकडू के नाम से रिलीज़ किया गया था साथ ही में कन्नडा में रीमेक किया गया था सेम टाइटल के साथ 2016 में उसके बाद 2019 में गड्डलकोंडा के नाम से गड्डलकोंडा गणेश के नाम से तेलुगु वर्जन में रिलीज किया गया था उसी के साथ हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से 2022 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाली है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है कार्तिक सुबराज ने स्टोरी आईडिया स्क्रीन प्ले वो सभी चीजें भी उनकी थी प्रोड्यूसर्स का रेसन ने इस फिल्म को एसएमएस पिक्चर्स सॉरी ग्रुप कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और एस एम एस पिक्चर और कल संगम फिल्म के नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको सिद्धार्थ बॉबी सिमा और लक्ष्मी मेनन देखने को मिले होंगे उनके अलावा करुणाकरण गुरु सोम सुंदरन आदू कलम नरेंद्र राजन रामचंद्र दुरैराज सेंथिल कुमारन गंग सांगली मुरुगन बाला सिंह थेनावल दिल्ली गणेश सुधा जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले होंगे इस फिल्म को डेवलप किया गया था 2013 में अनाउंस किया गया था उसके बाद में फिल्म को एक के बाद एक चीज़ अनाउंस की गई थी कास्टिंग भी तभी की गई थी और उसके बाद फिल्म की इक्कीस नवम्बर दो तक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी और उसके बाद में फ़िल्म को दो एंड तक कंप्लीट करवा लिया गया था और उसके बाद इस फिल्म में जो गाने को कंपोज किया गया था वो टोटल गाने थे नौ जहाँ पे नौ बैकग्राउंड स्कोर थे इसके अलावा पांच टोटल सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से हिट साबित हुआ था और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफ़ी सारा सराहना मिली थी रिलीज के बाद फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस दोनों की तरफ से खा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद इस फिल्म को जब बाहर देश रिलीज़ किया गया वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था कुछ चीज़ों के चलते फिल्म ज़रूर डिले हुई थी रिलीज़ के वक्त लेकिन उसके बाद जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिस वजह से फिल्म लोगों को काफ़ी सारी पसंद आई थी जिगत फिल्म के जो तमिल और सेटेलाइट राइड्स से है वो खरीदे हुए थे स्टार विजय ने यानी कि स्टार विजय के चैनल पर फिल्म आपको टेलीविजन पर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी और इस फिल्म के जो ओ टी टी राइड्स है वो है डिजनी प्लस हॉट के पास जिन्होंने जिगत फिल्म को सेम नाम के साथ वहाँ पर अवेलेबल करवाया हुआ है विथ इंग्लिश सब और वो फिल्म आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पर देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है इस फिल्म ने करीबन पे पच्चीस दिनों का जो वर्ल्ड वाइड रन लिया था तब उस टाइम में छिया छियालीस करोड़ के आसपास 2014 में क्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और एक 2014 की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी जिस वजह से जिगर ठंडा फिल्म एक अच्छी खासी क्लासिकल कल्ट क्लासिक फिल्म में शामिल हो गई थी जहां पे मीडियम कास्ट के साथ भी फिल्म अच्छा खासा वर्क कर गई थी जिगत ठंडा फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन राइट थे वो भी बेच दिए गए थे जिसको खरीदा हुआ था एशियन मीडिया ने फिल्म की डबिंग भी उन्होंने 2019 तक शायद कंप्लीट करवा ली थी एस पी एम हार्ट यानी कि एशियन मीडिया जिन्होंने फिल्म को सेम नाम से सेंसर, सेंसर बोर्ड की तरफ से हिंदी डब वर्जन ने से, सेंसर सर्टिफिकेट भी करवा लिया था और ये फिल्म टेलीविजन प्रीमियर के लिए तैयार थी लेकिन तभी फिल्म के रीमेक राइट्स हिंदी में बेच दिए गए बच्चन पांडे के नाम से जो 2022 में आपको रीमेक देखने को मिल रहा है उसी की वजह से ठंडा फिल्म की हिंदी डव वर्जन को रिलीज़ रोक दी गई थी बच्चन पांडे ने मेकर्स के बच्चन पांडे के मेकर्स ने ठंडा के मेकर्स को इस फिल्म को डब वर्जन में रिलीज़ करने के लिए मना किया गया जिस वजह से, से एशियन मीडिया ने उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए फिल्म को पोस्टपोन पर रखा हुआ है अब जब बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ओ टी टी पे अवेलेबल हो जाएगी बाद में इस फिल्म को जिगत फिल्म को हिंदी डब वर्जन में टेलीविज़न और यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा लेकिन उसके अलावा जो कोंडा गने से वो एक और रिमेक है वो गोलमांस वालों ने डब करवा के अब रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिए जो आपको छः मार्च को रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे सेम नाम के साथ डिंगचक चैनल पे देखने को मिलेगी उसके बाद ज़रूर यूट्यूब चैनल पे वो फिल्म प्रीमियर नहीं करवाई जाएगी क्योंकि डिंचचक पे होने वाले फिल्म में प्रीमियर होने वाले फिल्म में गोलमैस वाले तुरंत प्रीमियर नहीं करवाते हैं गड्डल कोंडा गणेश फिल्म के जो लीड एक्टर्स है जो कास्टिंग है उसमें कौन से कैरेक्टर ने क्या रोल प्ले किया था उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ वरुण तेज जो गनी के रोल में दिखाई देते हैं जिसका पूरा नाम है गड्डल कोंडा गणेश अथरवा जिन जिन्होंने अभिलाष यानी कि अभिका का रोल प्ले किया हुआ है पूजा हेगड़े जो श्रीदेवी यानी कि देवी के रोल में दिखाई देती है मीना रवि जिन्होंने बुज्जम्मा का रोल प्ले किया हुआ है सुप्रिया पाठक जो गड्डलकोंडा गणेश की माँ के रोल में दिखाई देती है ब्रह्मा जी जिन्होंने जी मुनी मानिक्यम के एक एक्टिंग कोच का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप जो अभी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं सरस्वती जो अभी की माँ के रोल में दिखाई देती है देवी प्रसाद जिन्होंने अभी के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है सुब्भ राजू जिन्होंने प्रभाकर के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है अन्नपूर्णा जो गनी की सेब के रोल में दिखाई देते हैं दानिकला भरानी जिन्होंने थिएटर ऑपरेटर का रोल प्ले किया हुआ है सत्या जिन्होंने चिंतकाई यानी कि अभिलाष के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है राजा रविंद्र जिन्होंने नलमुद्दू बाब का रोल प्ले किया हुआ है रघु बाबू जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा प्रभात श्रीनु जो आपको बलिया के रोल में दिखाई देंगे शत्रु जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पा जी अम्बारी सा दरबा जो श्रीदेवी के फादर के रोल में दिखाई देते हैं ब्रह्मानंदम नितिन सुकुमार इनका एक गेस्ट अपीरेंस केम्यू अपीरियंस देखने को मिलेगा डिम्पल हयाती जरा जरा सॉन्ग में आइटम नंबर दिखाती हुई नजर आएंगी अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएंगी तो इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है इन सभी कैरेक्टर को उन्होंने निभाया हुआ था स्टोरी की बात करें तो अभिलाष यानी कि अथरवा एक अपी, अपकमिंग डायरेक्टर है जो एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते है विथ एनी कॉस्ट और इसके लिए वो डिसाइड करते हैं वो एक क्रिमिनल बेस्ड फिल्म बनाएंगे और उसके लिए एक कहानी के सर रिसर्च में निकल पड़ते हैं और उनका सामना होता है गड्डल कोंडा गणेश यानी कि वरुण तेज से जो एक ब्रूटल क्रिमिनल है और उनके बारे में जानने के बाद वो फिक्स करते हैं कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे उनके नज़दीक जाकर उनके में जानेंगे और साथ ही में कहानी के ऊपर पूरी डिटेलिंग लेंगे और इस फिल्म को वो डिरेक्ट करेंगे लेकिन एक पॉइंट के 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 बाद वो वो सभी चीज़ें गणेश गणेश सामने रिवील करता है इस फिल्म के बनाने के लिए राजी तो हो जाते हैं अपनी फिल्म अपनी लाइफ की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राजी तो हो जाते हैं। लेकिन वहां पे एक ट्विस्ट आता है जहां पे गणेश डिमांड करता है कि वो इस फिल्म में हीरो का रोल प्ले करेगा तो अब बाकी की कहानी यही है कि अभिलाष किस तरह से इस डेडली गैंगस्टर को हैंडल करता है फिल्म को किस तरह से फिनिश करता है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी बनाई गई है इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कार्तिक सुब्बाराज सॉरी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हरीश शंकर जिन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से सभी एक्टर्स को यूज किया हुआ था जिस तरह से वरुण तेज के किरदार को उन्होंने शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी सुपर मैनर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ था फिल्म में एक गैंगस्टर का लुक उसके अलावा उनकी पर परफॉर्मेंस उनके पास बेहतरीन वे में निकलवाई हुई थी उनकी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज में उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी साथ ही में फिल्म में कुछ बेसिक इमोशंस की थोड़ी बहुत आपको कमी नज़र आएंगी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थोड़ा वीक नजर आएगा फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंथी नजर आएगा थोड़ी जगह पर हरी शंकर आपकी आपको अपनी ग्रिप लूज होते हुए नजर आएंगे प्रोसेडिंग के टाइम सेकंड हाफ में लेकिन बाकी जो एक अच्छा एलिमेंट होना चाहिए गुड मास एलिमेंट फनी एलिमेंट वो सभी चीजें वो भरपूर तरह ऐट करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से वरुण तेज को एक मेक किया हुआ था उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक सॉफ्ट गाय से एक हार्ड क्रिमिनल के रूप में वो बेहतरीन था उसी वजह से फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग नज़र आती है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे वीटी टी डायलॉग सुनने को मिलते कुछ कॉमेडी पंचीज थे वन लाइनर्स थे उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था हरीश शंकर ने ओवरऑल वरुण के किरदार को अच्छी तरह से लिखा हुआ था उनकी डायलॉग डिलीवरी सुपर थी उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग थी अथरवा मुरली जो आपको एक डिसेंट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना काम निभाया हुआ है उन्होंने मिकी जे मेयर के उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है एक डायरेक्टर अपकमिंग डायरेक्टर के रोल में उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेप क्रिएट करने में कामयाब रहे अपने परफॉर्मेंस के साथ वो फिल्म में एक अलग इम्पेक्ट छोड़ते हुए नज़र आते हैं मिकी जे मेयर जिनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी टॉप नॉच वाला था उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म को सपोर्ट का हो ऐसा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था फिल्म का जो माहौल है जो जोनर है उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से

उन्होंने जितने भी वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए अपने कॉमिक पंच को कॉमिक टाइमिंग जिस तरह से डिलीवर किए हुए वो काफी बढ़िया थी वो फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स देने में कामयाब रहती है वहाँ पर आप जरूर हंस पड़ोगे पूजा हेगड़े फिल्म में काफी बढ़िया नज़र आ रही थी दिखने में काफ़ी गोजेस और सिंपल नजर आ रही थी वो श्रीदेवी का रोल प्ले कर रही है फिल्म में उनका रोल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपना जो वक्त है वो एड किया हुआ था अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने अपना टैलेंट जरूर दिखाया हुआ था हाँ उनका एक गेस्ट रोल बोल सकते रोल छोटा था लेकिन जितना भी काम था उसमें वो काफी बढ़िया नजर आ रही थी सुप्रिया पाठक आती है फर्स्ट अच्छा हाफ को बढ़िया तरीके से स्टेब्लिश किया हुआ था डायरेक्टर ने जहां पे वरुण के किरदार को अच्छी तरह से तौर पे हमारे सामने पेश किया हुआ था वहां पे बढ़िया मसाला एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में उन सभी सीक्वेंस के साथ अच्छी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है इस फिल्म को तेलुगु वर्जन के हिसाब से तमिल वर्जन से थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए नज़र आएंगे जहाँ पे कुछ कॉमेडी सिकॉन से कुछ, कुछ, कुछ चीज़ें जो फिल्म को अलग करी हुई जो तेलुगु नेटिविटी है उस हिसाब से चेंज किया हुआ है लेकिन वो सभी चीज़ें अच्छे वे में जाती है इस फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़रूर बड़ी है जहाँ पे हरी शंकर फिल्म को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करते हैं लेकिन उसको स्टेबलिश करने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं इसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें हैं उसकी प्रोसीडिंग बढ़िया नहीं थी इमोशंस की कमी थी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर क्लाइमैक्स में जिस तरह से एड की हुई थी वो फोर्सफुल एड की हो ऐसा नज़र आ रहा था पूजा हेगड़े का जो ट्रैक है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सीन्स थे लेकिन उन सभी चीज़ों की जरूरत नहीं थी ऐसा नज़र आ रहा था उसे आसानी से क्रिस्प किया जा सकता था अत्थर और वरुण तेज के बीच में जो कन्फ्रट्रेशन वाले सीन थे उस को और एंटरटेनिंग मैनर में दिखाया जा सकता था तो एक कुछ एक दो तो चीज़ें उसको सुधारा जा सकता था ओवरऑल फिल्म में जो मास एलिमेंट है वरुण तेज का जो मेकओवर है जो फिल्म की स्टोरी लाइन है जो ब्लैक जो इंटरवल ब्लॉक है जो कॉमेडी सिक्वेंस है इन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ है तो गड्डल कोंडा गणेश फिल्म एक अच्छी मास ड्रामा फिल्म है जहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको मास एलिमेंट्स के मास एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रोसेडिंग देखने को मिलती है जो परफॉर्मेंसिस है वो शानदार देखने को मिलती है जिस तरह से ये जो कैरेक्टर बनाए हुए हैं वो बढ़िया है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिलते हैं इसके अलावा एडिटिंग को थोड़ा कट कम किया जा सकता था फिल्म को पंद्रह बीस मिनट छोटा किया जा सकता था ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी थी फिल्म के लिरिक्स अच्छे थे डायलॉग्स बढ़िया थे साथ ही में जो प्रोडक्शन वैल्यू है हाँ वो काफ़ी टॉप नोच की थी जिस वजह से स्क्रीन में हरक हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी तो ये और और एक अच्छी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सके देखा जा सकता है अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन जरूर फुलफिल हो जाएगी इसको अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है रीमेक ज़रूर है लेकिन एक अच्छा रीमेक है जिसे जरूर देख सकते हो तो इस फिल्म को अगर आप तेलुगु वर्जन में देखना चाहते हो तो गड्डल कोंडा गणेश के नाम से इसको ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल करवाया हुआ है जहां पर इस फिल्म को आप जरूर इंजॉय कर पाओगे गड्डलों गणेश के नाम से डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने उनकी वेबसाइट पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पे आपको विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है जिगर थंडा वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने ही खरीदा हुआ है और वो जिगर थंडा फिल्म भी तमिल वर्जन में अवेलेबल की हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार में जहाँ पे विथ इंग्लिश सब वो फिल्म भी आप इंजॉय कर पाओगे तो कोंडा गणेश और जिगर थंडा दोनों तमिल और तेलुगु वर्जन आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पे विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अब बात करें हिंदी डब वर्जन की तो फिल्म को पहले तो वाल्मीकि के नाम से डब करके रिलीज करने वाले थे लेकिन अब नाम फिर से चेंज हो चुका है जिसको ओरिजिनल नाम दे दिया गया है गड्डल कोंडा गणेश अब गोल वालों ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं और उन्होंने ही इस फिल्म के राइट्स सेटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको पहले सैटेलाइट चैनल पे देखने को मिलेगी जहां पे फिल्म का जो पहला वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है वो है 6 मार्च रविवार के दिन रात को आठ बजे टाइम पे टेलीविजन चैनल पे सेम नाम के साथ एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि गड्डलकोंडा व गणेश का पहला हिंदी डब वर्जन टेलीविजन प्रीमियर छः मार्च 2022 रविवार के दिन रात को आठ बजे के टाइम पे ढिन्चाक चैनल पे देखने को मिलेगा और उसके बाद इस फिल्म का यूट्यूब प्रीमियर ज़रूर होगा लेकिन अभी नहीं होगा इस फिल्म का यूट्यूब सी प्रीमियर करीबन काफ़ी समय के बाद क्योंकि ढिंचाक प्रीमियर होने वाली फ़िल्म में गोलमस वाले तुरंत उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं करवाते हैं लेकिन जब कभी भी इस फिल्म का ऑफिशियल यूट्यूब प्रीमियर होगा तो वो गोलमस के ही चैनल पर करवाया जाएगा जहाँ पे ये फ़िल्म आप बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर पाओगे इसके अलावा सैटेलाइट चैनल ढिंचा के ऊपर इस फिल्म को बारी बारी से प्रीमियर करवाने ही वाले जहाँ पे इस फिल्म को आप जरूर इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से सभी वर्जन यानी कि तमिल तेलुगू, हिंदी डब और साथ ही में हिंदी वर्जन जो बच्चन पांडे नाम से अट्ठारह मार्च को आ रहा है इन सभी तरह के इस जिस तरह से मैंने बताया उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकोगे तो बस गाइज आज की वीडियो में इतनी ही अपडेट थी इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है फिल्म का प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्टोरी एनालिसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत ओवरऑल फिल्म का रिव्यू डीप रिव्यू मैंने करके दे दिया है साथ ही में फिल्म का तमिल ओरिजिनल वर्ज़न तेलुगु रीमेक वर्ज़न हिंदी डब वर्जन हिंदी रिमेक वर्जन ये चारों वर्जन कहाँ पे आपको फ्री में ऑफिशियली कौन से प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे किस तरह से आप इंजॉय कर पाओगे उसके ऊपर भी मैंने डिटेलिंग दे दी है तो वीडियो यहीं तक था तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू